हेल्थ को इम्पैक्ट करता ही करता है क्या फैटी लिवर को रिवर्स किया जा सकता है डॉक्टर एक हद तक तो बिल्कुल किया जा सकता है एक हद के बाद अगर वो चीजें ज्यादा खराब हो गई हैं, जब स्कारिंग शुरू हो जाती है सिरोसिस की तरफ चला जाता है तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम आती है आ, गट इशू की जब बात हो रही थी तो एक बड़ा ही कॉमन सा इशू कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल

एक ऐसा सागर है जिसका ना आदि है अंत और इस अमृत रूपी सागर की गहराई में जाने के प्रयास में हम फिर से उपस्थित हैं विमर्श के एक और बहुत विशेष और बहुत शानदार पॉडकास्ट के साथ आज हमारे साथ है वैद्य ऋतु मलिक जो एक बहुत खास बड़े खास आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं क्यों मैं इन्हें बड़े खास आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर कह रहा हूं क्योंकि ये आयुर्वेद में ज्योतिष का समागम कर आयुर्वेद और ज्योतिष के माध्यम से उनके प्रयोग से पिछले 18 सालों से लोगों की उनकी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता करती आ रही हैं और आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए खुद बहुत कुछ नया सीखने का अवसर था मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कहने के लिए तैयार हूँ कि पूरे YouTube पर आपको ऐसी जानकारी ऐसा पॉडकास्ट और कहीं नहीं मिलेगा तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं विमर्श के इस बड़े खास पॉडकास्ट को तो डॉक्टर रितु तो आप कोल्ड ड्रिंक के बारे में कुछ बात कर रही थी उनके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम आपके गट पे इम्पैक्ट करती है उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे जी तो बेसिकली डॉक्टर साहब जैसे आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक है क्या कोल्ड ड्रिंक बेसिकली पानी है अगर मैं आपको बोलूँ ये पानी मैं बॉटल में डाल के आपको दे देती हूँ आप दो महीने या छः महीने बाद आप पिए तो क्या आप पीना चाहेंगे बिल्कुल भी नहीं और कोई भी पानी छः महीने तक टिकता भी नहीं है और अगर वो टिक रहा है इसका मतलब उसमें कितना ज़्यादा प्रजर्वेटिव डला हुआ है वो सबको पता है तो कोल्ड ड्रिंक बेसिकली क्या है पानी शर्करा यानी कि शक्कर और प्रेजर्वेटिव और उसको क्या डाला जाता है अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अब हमारी जो श्वसन प्रणाली है जब हम और प्रक्रिया जो है हमारा रेस्पिरेशन का तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो अगर मैं किसी को भी बोलूँ कि आप एक कार्बन डाइऑक्साइड के बंद कमरे में क्या रहना चाहेंगे तो कोई भी नहीं जाएगा बिकॉज पता है कि वो आपको नुकसान ही करेगी तो वही आप पानी के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड घोल के अगर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो नुकसान ही करेगी फायदा तो कुछ करेगी नहीं बाकी ये है कि इसका मेन जो काम होता है डॉक्टर साहब वो होता है इरोजन करना एक और होती है तो आप मुंह में से जैसे आप लेना शुरू करते हैं तो आपके सबसे पहले तो दांतों का इनेमल को इरोड करती है वहाँ से अंदर जाते हुए आपकी सुफिंगस है देन स्टमक है स्टमक की लाइनिंग है इंटेस्टाइन की लाइनिंग है उन सबको इरोड करती है इरोड करने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय करके ऊपर की लेयर को ख़त्म करती रहती है बिकॉज इसके अंदर अम्ल गुण है तो एसिडिक होता है है ना तो और उसके बाद आप क्या होता है जो आपकी ये जठर रगन या डाइजेस्टिव फायर जिसको हम बोलते हैं या अगर मैं बताऊं कि जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनको डिस्टर्ब करती है तो आपका डाइजेशन ऑब्वियसली इस पर इम्पैक्ट होगा बिकॉज आपके गैस्ट्रिक जूसेस जब गड़बड़ हैं तो आपका डाइजेशन प्रॉपर्ली हो ही नहीं पाएगा है ना दूसरी बात अब मैं अगर आपको ये बोलूँ कि बिल्कुल ही नहीं पीनी चाहिए तो बींग अ वैद्य मैं कहूँगी तो कोल्ड ड्रिंक पीनी ही नहीं चाहिए बट आज हम जिस परिप्रेक्ष में रह रहे हैं जैसा हमारा माहौल है तो हम सब आ, कभी कभी मतलब मैं बोलूँगी अगर छः महीने साल में आप ले भी लेते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी लेकिन अगर आप लगातार किसी चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं तो जरूर आपको वो नुकसान करने वाली है मतलब जैसे महीने या एक साल में एक बार भी। मैं तो बोलूंगी कि नहीं लेनी चाहिए <laughs> बट स्टिल अगर कोई ले रहा है तो ही इज ऑन द सेफर साइड डिस्पाइट जो जो लोग हैं मैं जानती हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो रोज ही पीते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे खुद के रिलेशन में एक थे जो रोज कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते थे और वो रियलाइज भी नहीं करते थे वो सोचते थे कि यार मैं बीस रुपए की बॉटल ले रहा हूँ पानी की बीस रुपए में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेके कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ लेकिन उनका वेट इतना ज्यादा था बफिनस थी तो उन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि कोल्ड ड्रिंक की वजह से है और जैसे ही उन्होंने छोड़ा कुछ महीने में उनका वेट अपने आप कट डाउन हो गया बिकॉज इसमें शुगर की अगर हम देखें इतनी ज्यादा मात्रा है तो शुगर बेसिकली क्या करती है आपकी बॉडी में ठीक है एनर्जी का सोर्स शुगर आपको तो चाहिए शर्करा लेकिन अल्टीमेटली जो एक्सेस शुगर है वही तो फैट में कन्वर्ट होती है तो आप जितनी ज्यादा शुगर लेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा और वो फैट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जाके लिवर में डिपॉजिट हो जाएगा या बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा वही जाके अल्टीमेटली आर्टरीज में जाके डिपॉजिट होगा तो आपको एक एक्सेस अमाउंट ऑफ शर्करा लेने से और वो कितने नुकसान होने वाले हैं ये आपको खुद भी नहीं पता होता है यूजुअली मैं देखती हूँ कि काफी लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक भी है है ना या वैसे भी डायबिटिक नहीं भी है तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम तो चीनी खाते ही नहीं।, नहीं हम तो इतना मीठा सेवन करते ही नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो लेकिन वो भूल जाते हैं कि अच्छा जो कोल्ड ड्रिंक वो खा रहे हैं या जो चिप्स वो खा रहे हैं या जो ये भी सब चीज़ें तो शर्करा ही है ना एक तरीके से वो भी तो शुगर ही है और आप बॉडी में शुगर में ही अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा दूसरी जो चीज़ है कि हम कोल्ड ड्रिंक में देखें तो उसमें क्या होता है फिज़ फिज़ अगर मैं आयुर्वेद के हिसाब से बोलूँ तो क्या है वायु है वात कि वो एक्सेस एयर है बेसिकली तो वो आपकी बॉडी में जब जाएगा तो वो भी आपकी बॉडी में एयर भी इंक्रीज करेगा तो और जितने हमारे बॉडी में कहते हैं ना डिस्टर्बेंसेस शुरू होते हैं वो वायु की वजह से होते हैं बिकॉज बाकी जो हमारे दो और दोष है पित्त और कफ वो अपने आप कार्य नहीं कर सकते हैं उनको बात ही अपनी जगह से दूसरी जगह पे ले जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाता है तीसरी बात जैसे हम बोलेंगे प्रेजर्वेटिव प्रेजर्वेटिव तो केमिकल्स केमिकल्स तो, तो किसी भी तरीके से आपकी बॉडी के लिए अच्छे हो ही नहीं सकते तो मैं तो यही कहूंगी कि कोल्ड ड्रिंक्स का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए और ये जीरो शुगर जो ड्रिंक वगैरह आती है क्या? वो ले सकते हैं वो डॉक्टर साहब मुझे लगता है इनफैक्ट वो नॉर्मल जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं उनसे ज्यादा खराब होती हैं अच्छा। जैसे आप लोग कही बोलते हैं कि स्टीविया यूज कर रहे हैं हम या ये डाइट कोक है उनमें ऐसे और केमिकल्स डले होते हैं टू तो इनहस द टेस्ट कि वो आपको और ज्यादा अल्टीमेटली अनहेल्दी बनाएंगे नेचुरल स्वीटनेस जैसे स्टीविया और मॉन्ग फ्रूट वगैरह हैं वो भी ठीक नहीं है नेचुरल स्वीटनेस अगेन आई से वो भी एक मात्रा तक ही सही रहते हैं है ना आप कहीं बोलेंगे हम नो शुगर या और चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको ये नहीं पता कि साथ में और क्या केमिकल्स डाल रहे हैं अब कोई स्टीव या डायरेक्ट पत्ते तोड़ के अपने घर में ऐसे तो यूज नहीं करवा तो बाहर से क्या चीज जो पैक्ट आ रही है वो तो आ, उसमें कोई प्राण होता ही नहीं है बेसिकली और अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में बोला जाता है कि फार्म टू प्लेट वो सिस्टम होता है तो आप हेल्दी रहते हैं क्योंकि उस चीज में प्राण होता है एनर्जी होती है वही एनर्जी अल्टीमेटली आपके बायो एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो जो भी चीज पैकेट में आ गई अल्टीमेटली इसका मतलब है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड उतना ज़्यादा ख़राब पर आज के टाइम तो पॉसिबल है ही नहीं आप लेबल्स पढ़िए उसमें आपको जैसे बोलते हैं सभी की पहला इंग्रीडियंट जो लिखा होता है वो उसमें मेन इन्ग्रीडियंट होता है अगर आपको पहला इन्ग्रीडियंट ठीक लग रहा है दूसरा तीसरा अगर चौथे पांचवी पे जाके कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो स्टिल ओके है ना बहुत ऐसे प्रेजर्वेटिव हैं जो हमें लगता ही नहीं है कि इतने हानिकारक हैं लेकिन कितने ही बच्चे अगर मैं आपको बताऊँ वो आते हैं एलर्जीज से जिनको आप बोलते हैं कि स्किन एलर्जी है या इनफैक्ट ब्रोंकियल एलर्जी यानी सो ब्रोंकियल एलर्जी जिसमें उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसा खाते हैं कि यू नो तो त्वचा पे चकते निकल आते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स उनको होती है तो कई बार वो रियलाइज ही नहीं करते हैं कि जो प्रेजर्वेटिव हैं उनकी वजह से हो रहा है अब मेरे खुद के टू है उनके बच्चे को आइसक्रीम से होता था और आइसक्रीम भी कौन सी जो जो वाली आती है ना okay. तो उसको बेसिकली फूड कलर से एलर्जी थी जो उसको बाद में पता चला तो कहीं ना कहीं वो केमिकल ही सिर्फ कलर ही तो है अगर देखने को हम सोचे कि कलर ही तो है लेकिन न, वो कलर केमिकल से ही तो बना होगा अब कल परसों मैंने भी ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए क्रीम देखी थी च्युंगम के ऊपर अच्छा तो चुविंगम हम बड़ा शौक से इस्तेमाल करते हैं लोग है ना कहीं बल्कि इनपैक्ट

पैकेट में आता है तो बट वो ख़राब नहीं है क्योंकि वो लीस्ट प्रोसेस्ड है जितना उसको और रिफाइन करते रहेंगे आप वाइट शुगर में जाएंगे और तो वो उतना ही खराब करती है चीज़ें इसी तरीके से जितना लीस्ट प्रोसेस्ड आपको मिलती है चीज़ें आप उतना लीजिए जैसे हम गेहूँ को अगर बोले हम दलिया यूज़ करें तो वो ज़्यादा आपकी बॉडी उसको अच्छे से एक्सेप्ट करती है उसी दलिया को अगर हम और प्रोसेस करके वीट में सॉरी फ्लावर में आटे में चेंज कर देते हैं तो वो ठीक है आपकी बॉडी के लिए लेकिन दलिए से कम ठीक है।, है उसी को अगर आप आगे प्रोसेस करके मैदा बना देते हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है तो जितना ज्यादा प्रोसेस करते रहेंगे उनके गुण जो है ना वो नष्ट होते जा, जाते हैं आयुर्वेद में एक आ, कहावत आपने भी सुनी होगी या एक आ, मैं कहूँगी एक कपलेट है कि संस्कारों ही गुणों अंतर्धान यानी आप ऐसे जो संस्कार करते हैं किसी भी द्रव्य पे उससे उसके गुण चेंज हो जाते हैं अब दूध है दूध तो दूध है सबसे ज़्यादा पोषक तत्व तो बोला जाता है बच्चे से लेके यू नो बड़े तक सबका पोषण करता है उसी दूध को अगर हम नींबू निचोड़ दें गरम करके गर तो पनीर बन जाता है उसकी बिल्कुल तासीर चेंज हो गई उसी में अगर आप दही लगा के उसको जमा दें तो दही है उसका स्वरूप ही बदल जाता है तो एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उस पर आप कैसा संस्कार करते हैं क्या उस पर प्रोसेसिंग करते हैं उससे उसका पूरा रूप गुण और कर्म सब बदल जाते हैं तो आपने कोल्ड ड्रिंक में डाला क्या डाला तो पानी लेकिन पानी को आपने शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपने जो चेंज किया तो वो वो एसिडिक के और आपकी बॉडी लिए कुछ अच्छा नहीं करने वाली है आ, ओके डॉक्टर साहब आपने पनीर के बारे में हाँ बात की राजीव दीक्षित जी की रील्स वगैरह मैं काफ़ी बार उनके आगे आ जाती हूँ उनके कुछ पुराने वीडियोज मेरे आगे आ जाते हैं तो वो पनीर के बारे में ये कहते थे कि पनीर हमारे लिए सही नहीं है ये विरुद्ध आहार है बिल्कुल तो क्या आप मतलब आयुर्वेद के अनुसार क्या सच में पनीर विरुद्ध आहार है बिल्कुल बिल्कुल विरुद्ध आहार है अगर आप देखें आयुर्वेदिक टेक्स में ऐसा कुछ मेंशन है ही नहीं कहीं कि पनीर आपको खाना चाहिए है ना दूध आपको मिलेगा कि दूध लेना चाहिए पंचगव्य का हर जगह वर्णन है दही का वर्णन है तक्र का वर्णन है यानी कि लस्सी जिसे हम बोलते हैं तो लेकिन पनीर का ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलेगा कि आपको पनीर खाना चाहिए मसल मास बनाने के लिए प्रोटीन बनाने के लिए ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है तो आयुर्वेद के हिसाब से ऑब्वियसली बिकॉज दूध जो है वो मधुर रस प्रधान है उसमें आप अम्ल कुछ डाल रहे हैं आप खट्टा डालते हैं तो वो फटता है तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही चेंज हो जाता है और वो ईजी टू डाइजेस्ट नहीं है और बेसिकली हमारे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत चलन है कि अगर कहीं भी जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में तो पनीर तो बनता ही बनता है और पनीर ही चूज़ करते हैं मोस्टली वेजिटेरियंस के लिए हमें लगता है कि प्रोटीन सोर्स पनीर ही है लेकिन बहुत सारे और ऑप्शन हैं जो उससे ज़्यादा अच्छे हैं और जो आपको हेल्दी रखेंगे जैसे आ, जैसे अगर आप मैं आपको बोलूँ प्रोटीन के लिए आप दालें ले सकते हैं दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है कैल्शियम के लिए जैसे रागी में कैल्शियम भी है प्रोटीन भी है इनफैक्ट जो हम जो ग्रेन्स हैं जो मल्टी ग्रेन्स हैं जो मिलेट्स हैं जिनको हम पूरा इग्नोर करते हैं उनमें इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है इसीलिए भारत सरकार ने लास्ट ईयर जो है वो मिलेट ईयर घोषित किया था तो यू नो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि ये भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं बहुत सारी और चीज़ें आजकल तो इतना कुछ चल रहा है हेम्प सीड्स हैं वो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है बहुत रिच वेजिटेरियन अच्छा। सोर्स है और आजकल तो वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं जब से यू नो ये सब आ, लीगल हुआ है कुछ यूज़ हेम्प का इंडिया में तो हेम्प सीड्स आर एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन देन से से में बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं ओके okay. मिलेट्स की जब बात चल रही थी तो एक क्वेश्चन अधिकतर लोगों के मन में ये बड़ा रहता है कि क्या हमें आटे को मल्टी ग्रेन बनाना चाहिए या फिर सिंगल ग्रेन ही आटा एक बार में खाना चाहिए तो क्या ठीक रहता है हाँ जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है बिकॉज हर घर में आजकल यही होता है कि मल्टी ग्रेन आटा ले आओ और सब कुछ इकट्ठा मिला दिया और आपके लिए अच्छा ही होगा सोच के कि अच्छा ज्वार हेल्दी है बाजरा हेल्दी है, है ठीक है बेसन हेल्दी है सोया हेल्दी है सबको मिला दो तो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा ये हमारा परसेप्शन है बट ये बहुत गलत है गलत इसलिए है कि मैं बोलूँगी आपको एक ही तरीके का आटा एक बार में खाना चाहिए आप ये बताइए मान लीजिए एक एग्जाम्पल uh, के लिए हम लेते हैं कि आटा जो है उसका डाइजेशन का टाइम मान लीजिए चार घंटा है ठीक है बाजरे का डाइजेशन टाइम क्योंकि और गुरु होता है और हैवी होता है उसका मान लीजिए आप छः घंटा है ठीक है सोया है सोया का मान लीजिए अगेन पाँच घंटा है तो एक चीज़ जो चार घंटे में डाइजेस्ट हो रही है एक पाँच घंटे में डाइजेस्ट होने वाली एक छः घंटे में आपने मिला दिया mm -hmm. तो मिला के क्या होगा किसी भी चीज़ का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा और वो अल्टीमेटली आम या टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो मल्टीग्रेन इज़ अ बिग नो अकॉर्डिंग टू मी ठीक है जो आजकल मॉडर्न डाइटेटिक्स या मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट जो बोलते हैं कि मल्टीग्रेन आटा खाइए मैं ये बोलूँगी उनके कॉन्सेप्ट शो हैं वो बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड है और हम भारतीय हैं भारतीय है जो जिनोम जो जेनेटिक कोड हम इतने हज़ारों साल से लेते आ रहे हैं जैसा खाना हमारे पूर्वज खाते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन हमारे जीन्स में कहीं ना जा कहीं जाके स्टोर है तो हम जितना अपने पूर्वजों के हिसाब से अपनी संस्कृति के हिसाब से हम खाना खाएंगे अपने परिवेश के हिसाब से अपने एटमोस्फेयर के हिसाब से खाना खाएंगे देश काल के हिसाब से खाना खाएंगे वो हमारी सेहत को अच्छा करेगा और अगर हम उससे विरुद्ध खाएंगे हम ये सोचेंगे अच्छा वेस्ट में तो पिज्ज़ा बर्गर ये सब खाते हैं या मल्टीग्रेन आटा खाते हैं कुछ भी मतलब आप ले लीजिए उनके कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पे लागू नहीं होते बिकॉज उनका जो टेम्परेचर है उनका क्लाइमेट है वो इंटायरली डिफरेंट है उनका वर्किंग एटमोसफेयर इंटायरली डिफरेंट है तो कोई भी चीज़ आपको इधर उधर किसी और से देख के और ब्लाइंडली फॉलो तो करना ही नहीं चाहिए जो सैडली आजकल हो रहा है आजकल दूसरी चीज हो रही है जो ये आजकल स्मूदीज चल रही है अच्छा। जिसमें आप क्या करते हैं सब कुछ मिला देते हैं फ्रूट भी मिला देते हैं दूध भी दूद मिला देते हैं सीड्स भी मिला देते हैं जबकि आयुर्वेद के हिसाब से तो एक आम को छोड़कर वो भी आम होना चाहिए मीठा मीठे आम को छोड़ बाकी कोई भी फल आप दूध के साथ नहीं लेना चाहिए वर्जित है आयुर्वेद के हिसाब से बिकॉज वो विरुद्ध आहार कहा जाता है अनकम्पेटेबल फूड्स तो अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि सीड्स बहुत हेल्दी है नट्स हेल्दी है ठीक है दूध बहुत हेल्दी है और अगेन ये फ्रूट बहुत हेल्दी है मैं मिक्स कर देता हूँ तो अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी हेल्दी मील दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन टोटल मिसकंसेप्शन बिकॉज वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा आपको प्रॉपर्ली और जब आपको कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी तो जो आपका आहार रस है वो ही प्रॉपर्ली नहीं बनेगा और सब आगे आगे, आगे आपके जितनी धातु हैं जितने बॉडीली टिश्यूज़ हैं उन सब का पोषण अल्टीमेटली तो हो रहा है आपके आहार से आपका आहार ही अगर ठीक नहीं होगा तो आपको कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से आप सोच रहे हैं कि मेरे मसल अच्छी बन जाएगी मेरी बोन्स अच्छी बन जाएंगी सब कुछ को इम्पैक्ट करता है फिर वो अच्छा ये फलों की जो आपने बात हाँ की के तो केला और दूध मिला के पीने का बहुत, बहुत ट्रेंड है बहुत ज़्यादा क्या ये भी गलत है बिल्कुल गलत है वो तो बिल्कुल ही अनकम्पैटेबल फूड है आइडियली अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो वो आपको एसिडिटी ब्लोटिंग जैसी समस्याएं लॉन्ग रन में करेंगी हो सकता है कई लोग बोलते हैं हम तो बनाना शेक पीते हैं हमें कुछ नहीं होता है नहीं। और अगर आप देखें जो तो जितने बॉडी बिल्डर्स हैं आजकल जिम कल्चर बड़ा चला हुआ है या फिर इनफैक्ट पहलवान भी जो पहलवानी करते हैं अखाड़ों में वो भी दूध और केले बड़े शौक से लेते हैं कि एक बड़ा फीलिंग लगता है उनको कि अच्छा दूध ले लिए केले ले लिए फीलिंग हो गया क्विक ब्रेकफास्ट है ना बट वो कहीं ना कहीं इनकम्पैटेबल फूड है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद और वो आपको अल्टीमेटली प्रॉब्लम करेगा

क्या किया जा सकता क्या ये डाइट से या इसके लिए लेनी है आप अपना डाइट लाइफ इस तरीके का रखेंगे आपको हो ही ना है ना आपकी दिनचर्या जो है हमारे आयुर्वेद का सबसे पहला पिलर है अगर आप चिकित्सा की बात करें स्वस्थ रहने की बात करें तो हम बोलते हैं एक अच्छी दिनचर्या का आपको सेवन करना चाहिए दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए यानी डेली रजीम जो आपका प्रॉपर होना चाहिए तो अगर आपका डेली रजीम प्रॉपर है फूड आइटम्स आहार विहार आपका प्रॉपर है तो आपको ये सब कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस वैसे ही कम रहते हैं लेकिन फिर भी गॉड फॉर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो अगर वो इनिशियल स्टेज पर है तो बहुत हद तक आप होम रेमिडीज कर सकते हैं आप योगा कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे योगासन हैं जिनके करने से आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है बहुत सारे हमारे किचन में ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेने से आप आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है और अगर वो एक हद से बढ़ जाता है तब आपको जरूर एक चिकित्सी सलाह लेनी चाहिए अपने वैद्य को दिखाना चाहिए या जिस भी डॉक्टर को आप दिखाना चाहते हैं दिखाएं उसको करेक्ट करें अब उसमें भी मैं बोलूँगी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं देर आर एंटायरली डिफरेंट वो क्या करते हैं कि आपकी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देते हैं या फिर आपका बल्क कर देते हैं स्टूल का कि भाई ताकि इजीली मोशन पास हो जाए लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि कॉन्स्टिपेशन का रूट कॉज क्या है हुई क्यों है ठीक है हमें हम लगता है कि कॉन्स्टिपेटेड तो हम हो गए हैं बट हुए क्यों उसका रीजन फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तक आप उस चीज़ को रूल आउट करके उसको जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको फिर से रेकर कर जाएगी है ना और कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है आपको हार्ड स्टूल आते हैं ठीक है उसमें भी दिन फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ता है नॉर्मली बोला जाता है कि आपको दिन में अगर एक बार स्टूल पास हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज ओके स्टिल अगर आयुर्वेद के हिसाब से बोले तो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले मल प्रवृत्ति होनी चाहिए आपको होना चाहिए अर्ज कि मैं नहीं कंट्रोल कर सकता मुझे जाके फ्रेशन अप होना है नहीं होता है फिर भी आपको दिन में किसी भी टाइम अगर एक बार हो जाता है तो स्टिल वी कंसिडर कि ओके फाइन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दो दो तीन तीन दिन तक मल प्रवृत्ति नहीं होती है और वेस्ट में तो ये बहुत ही कॉमन है बिकॉज उनके फूड आइटम्स ऐसे हैं उनका एटमोस्फेयर उनका क्लाइमेट ऐसा है कि वो तो तीन तीन चार चार दिन में भी चले जाएँ तो नहीं। बच्चा स्पेशली वहाँ पर अगर यू नो you know, आप न्यू बॉर्न बेबीज हैं इन्फेंट्स की अगर हम बात करें तो वो लोग बोलते हैं चार दिन में भी जा रहा है तो इट इज़ ओके हमारे हिंदुस्तान में हमारे भारत में तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चलेगी बिकॉज हमारा परिवेश ऐसा है कि सुबह उठते ही अगर आपका खान पान ठीक है तो आपको मल प्रवृत्ति होगी ही होगी तो कॉन्स्टिपेशन का जो रूट कॉज है सबसे पहला तो वो ये यही है कि मंद अग्नि मंद अग्नि मतलब आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो प्रॉपर नहीं है है ना वो डाइजेस्टिव फायर प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपका अगेन फूड का डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है वो टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहा है और इसी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है दूसरा होता है हमारी बॉडी में डॉक्टर साहब बात बढ़ जाता है ओके okay. बात बढ़ेगा तो वो शुष्कता लाता है रूक्षता लाता mm. है बॉडी में ड्राइनेस लाता है तो अगर वो ड्राइनेस लाएगा तो जितने इंटेस्टिनल लाइनिंग्स में जितना फ्लूड है आपके मल को जितना आराम से निकलने के लिए जो फ्लूड चाहिए वो उसका शोषण कर लेगा तो मल जो आपका वो ड्राई हो जाता है देन आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं तो इससे मुझे एक आ, याद आया अपना केस आ, मेरी एक बड़ी नोन टू अच्छी सहेली है अच्छा। वो मेरे पास आई थी कॉन्स्टिपेशन से कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है और मैं तीन चार दिन में एक बार स्टूल पास करती हूँ तो अक्सर क्या होता है हम कोई भी डॉक्टर यूजुअली क्या होता है अगर हम पूछते हैं कि ठीक है आपको कॉन्स्टिपेशन है हम दो चार क्वेश्चन करते हैं कि कब से है क्यों है भूख लगती है नहीं लगती है और कोई प्रॉब्लम है डकार है फ्लेटस पास होता है ये सब पूछ के हम जनरली जी आई ट्रैक्ट यानी गेस्ट्रो एंडस्टनल ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के हम छोड़ देते हैं सोचते हैं कि अच्छा यही है एंड दिन दवाई लिख के हम दे देते हैं ओके okay. बट जब उसके केस में मैंने फाइंड आउट किया बिकॉज मुझे हैबिट है कि मैं पूरी हिस्ट्री लेती हूँ इंक्लूडिंग ऑल द सिस्टम्स बिकॉज मुझे लगता है कि बॉडी में जो हमारे अलग 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 ऑर्गन सिस्टम है hmm. वो अलग अलग आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं वो सब कंपेटिबिलिटी होकर एक इंटरडिपेंडेंट है hmm. तो अगर एक सिस्टम hmm. में गड़बड़ा है तो दूसरे को इफेक्ट करेगा दूसरे में गड़बड़ा है वीसरे तो को इफेक्ट करेगा और बेसिकली यही आयुर्वेद का सिद्धांत है कि आप अगर एक दवाई देते हैं तो सिर्फ आपकी एक प्रॉब्लम ठीक नहीं करते ओवरऑल तो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है तो उसका जब मैंने हिस्ट्री लिया तो मुझे पता चला कि उसको कॉन्स्टिपेशन इसलिए है बिकॉज उसका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप वाज नॉट गुड तो साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन का इशू था और जैसे ही मैंने उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए मेडिसिन uh, देनी शुरू की उसका कॉन्स्टिपेशन अपने आप ठीक हो गया तो साइकोलॉजिकल इशूज के चलते भी बिल्कुल बिल्कुल होती है डॉक्टर साहब बिल्कुल क्या आपस में क्या रिलेशन है गट का और माइंड का हम बात करें तो देखिए आजकल आप देखेंगे आजकल ये आपको बड़ा सुनने को मिल रहा होगा कि गट इज अ न्यू ब्रेन गट हैज इट्स ओन ब्रेन है ना okay. कि अपना जो हमारा गट सिस्टम है उसका अपना एक ब्रेन है और एक जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से रिलेटेड चल रहा है वो डिफरेंट है ये हो गई मॉडर्न की बात आयुर्वेद की अगर बात करें या फिर आपने सुना होगा बड़े बूढ़े हमेशा से कहते आए हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन और तन है ना जैसा भी आप अन्न खाते हैं वो आहार रस में परिवर्तित होता है वैसा ही आपका मन अच्छा रहता है और वैसा ही आपका तन अच्छा रहता है अब ऐसा क्यों होता है कि आपकी पसंदीदा चीज़ अगर आपके सामने आ जाती है कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो खाने में वो देख के आप बड़े खुश क्यों हो जाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना सिर्फ देखने से खाने के बाद तो बात अलग है मैं तो सोच कुछ। हाँ, सोच कर कर ही ही मन मन एक ऐसी चीज़ है डॉक्टर साहब जो आपको आयुर्वेद के अलावा और किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिसका वर्णन आपको नहीं मिलेगा <laughs> और जो कि एक क्वालिटेटिव चीज है जिसको मैं बोलूँगी क्वान्टिटेटिव नहीं है आप उसको मेजर नहीं कर सकते <laughs> या आप उसका मूर्त रूप नहीं दे सकते कि ये मन है है ना मैं मेरे को कई बार ना लोग बोलते हैं कि ये बड़ा तुम वियर्ड बात करते हो आयुर्वेद में है कि मन मन क्या होता है कुछ भी नहीं है मैंने कहा अच्छा ठीक है मन नहीं है तो आप ये क्यों बोलते हो आजकल नया ट्रेंडिंग आपने बड़ा देखा होगा कि सब ठीक है बट मन अच्छा नहीं है, <laughs> है ना और ऊपर से आप कभी भी ये देखिए कि हम ये नहीं बोलते कि मस्तिष्क विज्ञान <laughs> है ना <laughs> या ये नहीं हम बोलते कि हृदय विज्ञान अगर आप बोलते हैं कि मन जो है वो हार्ट है दिल है हृदय है आपका तो आप फिर मनोविज्ञान क्यों बोलते हैं आप उसको हृदय विज्ञान बोलिए ना mm. है ना mm. या आपको लगता है कि हमारा ब्रेन सब कंट्रोल कर रहा है मस्तिष्क करा रहा है जो भी करा रहा है तो आप उसको फिर मस्तिष्क विज्ञान बोलिए मनोविज्ञान कहने का तात्पर्य ये, ये है कि मन भी तो कोई आइडेंटिटी है mm. तो ये आपको या तो सांख्य दर्शन में मिलेगा स्पिरिचुअलिटी में मिलेगा या फिर आपको आयुर्वेद में मिलेगा और यही शायद आयुर्वेद की खूबसूरती है कि आयुर्वेद और स्पिरिचुअलिटी इतना ज्यादा इंटरट्वाइंड है दैट इज ब्यूटिफुल दैट इज अनदर लेवल ऑफ यू नो ब्यूटी कि आप अगर समझें आयुर्वेद को तो आप स्पिरिचुअल अपने आप हो जाएंगे और अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं तो आपको आयुर्वेद बड़े खुले दिल से अपनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइए चलिए मेंटल इश्यूज अगर नहीं है मान लेते हैं और फिर भी अगर कोई कॉन्स्टिपेशन की समस्या से पीड़ित है तो क्या घर पे कुछ उपाय किए जा सकते कुछ के के हैं कुछ नुस्खे उनके बारे में कुछ बिल्कुल बिल्कुल उसमें भी मैं एक आपको चीज बोलना चाहूंगी आजकल जो वेस्टर्न डाइटेटिक्स का बड़ा ट्रेंड है और हम ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि कोई भी अगर कॉन्स्टिपेटेड होता है तो हम आपस में भी सलाह देते हैं डॉक्टर तो बाद में आता है आपस में हम बोलते थे ठीक है बहुत सारे फाइबर्स खाओ स्प्राउट्स खाओ सैलड्स खाओ कि फाइबर इन, इंक्रीज होगा तो आपको मल प्रवृत्ति बहुत अच्छे से हो जाएगी जबकि उस टाइम आपकी जब आप कॉन्स्टिपेटेड हो आपकी जो जड़ा रगनी है जो डाइजेस्टिव फायर वो इतनी वीक है कि वो कोई भी कच्ची चीज को अच्छे से हजम ही नहीं कर पाएगी तो सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी कि रॉ वेजिटेबल्स या रॉ सैलड्स बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए स्प्राउट्स तो इज अ बिग नो नो स्प्राउट्स को तो विरोडा आर बोला जाता है यानी बहुत ही हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद तो अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर ऑलरेडी वीक है और आप उसमें फिर रॉ एनर्ज ले लेते हैं या आप फिर स्प्राउट्स लेते हैं तो आप अल्टीमेटली और ज्यादा लोड डाल रहे हैं अपनी डाइजेस्टिव फायर पर वो सब डाइजेस्ट होगा ही नहीं अब आपने हवन कुंड में कभी हवन होते हुए देखा होगा है ना तो कई बार क्या होता है अग्नि जब अच्छे से नहीं जल रही होती है और ऊपर से आप और लकड़ियाँ डाल देते हैं या सामग्री डाल देते हैं तो वो और बुझ जाती है अग्नि बिकॉज पहले ही वीक है ऊपर से आपने इतना सब कुछ डाल दिया जो ही नहीं है उसको तो वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करेगा तो सबसे पहले तो है कि पका हुआ खाना खाएं जो भी आपको खाना है स्टीम्ड खाएं या पका हुआ खाना खाएं और हल्का भोजन करें बिकॉज पहले आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक है तो आप कुछ भी हैवी भोजन नहीं करें mm -hmm. हल्का सुपाच्य जो भोजन होता है अपना घर का बना हुआ खाना वो खाएं आपको अगर डाइट कॉन्शियस है आप सोचते हैं आप सैलड्स खाते थे तो आप सॉटे करने वेजिटेबल्स okay. या सैलड्स फ्रूट को छोड़ के और कुछ भी चीज़ रॉ नहीं खानी चाहिए इफ़ यू आर कॉन्स्टिपेटेड सेकेंड इज वॉट एंड आपको एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक आपका रखना चाहिए अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगेन आप ब्लाइंडली ट्रेंड्स फॉलो करें और चार mm -hmm. से पाँच लीटर पानी डेली पिए दैट इज़ अगेन अ बिग नो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बिकज़ हमारा जो शरीर है वो इतना इंटेलिजेंट एक मशीन है ना उसमें जो ब्रेन हमारे यहाँ पे ऊपर बिठाया है भगवान जी ने वो कुछ सोच के ही बिठाया है सही हमारा बोझ नहीं रख दिया है तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट ऑर्गन और हमारी बॉडी को इतना इंटेलिजेंट मशीन में उसने कन्वर्ट किया है कि अगर आपको भूख लगेगी तो आपको पता चल जाता है भूख लगेगी उसी तरीके से अगर आपको प्यास लगेगी तो आपकी बॉडी बताएगी कि पानी की आवश्यकता है भाई पानी पिए अननेसेसरी प्यास नहीं भी लग रही है तो भी आप पानी गल्प किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं तो अगेन वो आम बनाएगी आपकी बॉडी में टॉक्सिनस को क्रिएट करेगी डाइजेस्टिव फायर को मंद करेगी अगेन अगर मैं आपको बोलूँगी कि कहीं आग लग जाती है तो आप क्या बोलते हैं बुझाने के लिए कि पानी डाल दीजिए hmm. तो अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो और ज़्यादा वीक हो जाएगी वो आपको कहीं भी किसी भी रूप में आराम नहीं करने वाली है तो पानी अगेन मैं कहूँगी आपको जितना आवश्यकता लगे उतना ही पानी पिए हाँ आजकल हम सब ए में रहते हैं तो यूजली ये होता है कि ना हमें स्वेद निकल रहा है परपर्स्पिरेशन हो ही नहीं रही है हम स्वेट ही नहीं करते हैं तो उस वजह से हमें पानी का इंटेक भी कम लगता है तब आप थोड़ा माइंडफुल होकर पानी पी सकते हैं कि अच्छा पानी पीने की जरूरत है बट अननेसेसरीली चार पाँच लीटर आपको पीना ही पीने दैट इज़ अ बिग नो नो तो आप वाटर एन एडिक्वेट रखें जितना आपको ठीक लगता है पका हुआ भोजन खाएँ है ना और आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो आप बहुत सारी यू नो एक ऐसी नेचुरल हर्ब्स होती हैं जो सबकी किचन में मिल ही जाती हैं एक त्रिफला जो हमारा तीन आमला हरट बहेड़ा का कॉम्बिनेशन है त्रिफला का पाउडर बहुत इजीली अवेलेबल होता है और उसका कुछ ऐसा नुकसान भी नहीं होता अगर आप शॉर्ट टर्म यूज़ करें लॉन्ग टर्म आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आप हेबिचुअल हो ही जाते हैं तो अगर आपको कभी थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन हो गई है घर में आप डॉक्टर को जाने से पहले आप ले सकते हैं त्रिफला ई सब की भूसी है वो आप ले सकते हैं वो आपको बड़ा हेल्प करती है वो बल्क करके आपका स्टूल बहुत इजीली पास आउट हो जाता है तीसरा है गर्म पानी अगर आप पानी पीएँ गर्म पानी पिए बिकॉज ठंडा पानी अगेन आपकी डाइजेस्टिफायर को डिस्टर्ब करता है तो अगर आप थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहेंगे तो वो अगेन आपकी फायर को और ज़्यादा हेल्प करेगा किस टाइम पीना चाहिए किस टाइम आप किसी भी टाइम जैसे अगर हम यहाँ पे पानी रखा हुआ है ये हम जो पी रहे हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो आप इसको गरम पिए गरम का मतलब ये नहीं है कि पाइपिंग हॉट नहीं okay. हाँ आप लू कॉम जो है वाटर टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हाँ जी थोड़ा सा ज़्यादा जो आपको पता चलेगी हाँ थोड़ा गर्म है बहुत ज़्यादा नहीं और डॉक्टर साहब एक और ट्रेंड चला हुआ है कि गर्म पानी में सुबह सुबह आप थोड़ा सा देसी घी डाल के अगर पीते हैं तो हाँ वो भी कॉन्स्टिपेशन और साथ में आपकी स्किन है, दोनों के है। लिए अच्छा है तो क्या ठीक हाँ हाँ। है वो डॉक्टर साहब देखिए जैसे मैंने बताया कि जब वात आपकी बॉडी में बढ़ जाती है रूक्षता या ड्राइनेस बढ़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसका काउंटर आपको चाहिए तो उसका काउंटर है घी या स्नेह आप अगर बॉडी में आप स्निग्धता बढ़ा देंगे तो रुक्षता अपने आप कम हो जाएगी तो अगर कभी एकदम से आपको कॉन्स्टिपेशन है डॉक्टर को आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप रात को दूध में मिला के एक चम्मच चीनी और एक चम्मच घी मिला के आप ले लेंगे तो आप सुबह आराम से मल प्रवृत्ति आपको हो जाएगी तो दूध में मिला के लेना ज्यादा अच्छा रहता है या फिर सुबह गर्म पानी के साथ मेरे हिसाब से रात को दूध में मिला के okay. अच्छा रहता है। और उसको भी आप ये नहीं है कि आप उसको हैबिट बना ले आप सोचें कि भैया अच्छा मैं तो कॉन्स्टिपेटेड हूँ तो मैं दूध में रोज चीनी और आ, क्या कहते हैं घी मिला के ले लूँगा और मैं तो ठीक रहूंगा ऐसा भी नहीं चलेगा बिकॉज आपकी अग्नि अगेन मंद है तो उसको आपको यू नो फायर इंक्रीज करने के लिए घी जैसे हम अगेन हवन की अग्नि में अगर हम घी डालते हैं तो प्रज्वलित तो करती है लेकिन अगर वो इतनी ज़्यादा वीक है तो आप उस पर घी डालते भी रहेंगे तो वो घी भी आपको डाइजेस्ट नहीं होगा तो सिर्फ एक दो दिन के लिए आप क्विक फिक्स रेमेडी के लिए तो काम करेगा लेकिन लॉन्ग रन में आपको अपने वैद्य के पास जाके या डॉक्टर के जिस भी पैथी को आप फॉलो करते हैं आप जाइए अपने आप को दिखाइए रूट कॉज को फाइंड आउट करें

लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम है मतलब उतना फंक्शन नहीं कर पा रहा जितना उसको करना चाहिए था तो अगेन आपकी डाइजेशन पे इंपैक्ट करेगा तो इट बिकम्स अ विशेष साइकिल okay. तो अगर आपका लीवर ऑलरेडी खराब है और आपकी डाइजेशन पुअर है और आप ऐसी चीजें पास सेवन कर रहे हैं जो और उसको खराब करेगा तो दोनों चीजें वो कभी ठीक होने ही नहीं वाली हैं और लीवर का एक और बड़ा प्रॉब्लम आज के समय में मिलने हाँ में देखने को मिल रहा है फैटी लीवर बिल्कुल बिल्कुल हर दूसरे हां हर दूसरे तीसरे आप देखो आप यूएसजी करवाने जाइए आपको डॉक्टर कुछ नहीं लिखेगा तो एक फैटी लिवर जरूर बिल्कुल तो सभी सभी को को मिल मिल जाता है तो, बिल्कुल बिल्कुल को मिल 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 तो फैटी लिवर किस तरह हमारे गट हेल्थ को हमारी बॉडी को इंपैक्ट कर सकता है ही ही। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए बिल्कुल डॉक्टर साहब डॉक्टर uh, साहब लिवर का जैसे हम जानते हैं कि फंक्शन इज मेटाबॉलिज्म एंड टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स तो जो भी चीज़ हम खाते हैं अल्टीमेटली वो शुगर में कन्वर्ट होती है चाहे आप कुछ भी खाए चाहे आप कहें कि मैं तो मीठा नहीं खाता हूँ बट अल्टीमेटली बॉडी तो सिर्फ एक ही चीज़ को आइडेंटिफाई करती है ना कि शुगर है ना तो वो एनर्जी टेकिंग के लिए वो कन्वर्ट हो जाएगी शुगर में अब उस शुगर में अल्टीमेटली क्या होता है जितना बॉडी को चाहिए होती है वो चला जाएगा मसल्स को या और एक्टिविटीज़ के फंक्शन के लिए वो शुगर यूटिलाइज हो जाएगी जो यूटिलाइज नहीं हुई वो आप क्या करते हैं आपको महीने की तनख्वाह मिली आपने घर का खर्चा निकाला ठीक है बच्चों की फीस निकाली आपने ये सब निकाला उसके बाद जो बच जाता है आप क्या करते हैं बैंक में डाल दाल देते हैं या सेविंग में डाल देते हैं कि ये सेव हो जाएगा वही लीवर करता है आपकी जो शुगर है उसको वो लगता है अच्छा ये एक्सेस है ज़रूरत से ज़्यादा है मेरा काम तो हो गया बॉडी का वो सब उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया वो सिलेंट्री हो गया बैठे इनफैक्ट अगर मैं आपकी और अपनी बात करूँ तो हम डॉक्टर्स हैं हम आठ से दस घंटे शायद कुर्सी भी बैठे ही रहते हैं mm -hmm. है ना तो आजकल क्या बोला जाता है सो यू नो सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग वो इतना ज्यादा डेंजरस है जितना स्मोकिंग डेंजरस है बिकॉज तभी बोलते हैं कि उठ के आप हर आधे घंटे में थोड़ा दस पंद्रह कदम तो चलिए एटलीस्ट ताकि आपकी बॉडी को ब्रेक मिले बिकॉज हमारी बॉडी जो है हम सब बोलते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज थे या अगर वो नहीं भी माने तो हमारी बॉडी हम एक जगह बैठने के लिए नहीं, नहीं मिली हमें है ना हमारे चलने फिरने के लिए ये सब करने के लिए मिली है हमें तो जितना मैं कहती हूँ जितना चलोगे उतना फलोगे हरकत में ही बरकत है तो आपको हरकत तो करनी ही चाहिए तो वो जो फैट में कन्वर्ट हो जाती है चीजें वो अल्टीमेटली क्या होता है आपका लिवर डिपॉजिट करता रहता है अपने अंदर ठीक है बिकॉज मसल्स में तो जा नहीं रहा शुगर बिकॉज हम इतने इनएक्टिव हैं बहुत कम हमें ज़रूरत है शुगर की बाकी जो शुगर बची वो फैट में कन्वर्ट होकर लीवर अपने अंदर स्टोर करने लगता है वो इतना ज़्यादा जब एक एक्सेस हो जाता है एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उसी को हम फैटी लीवर बोलते हैं है ना और फैटी लिवर जब हो जाएगा आपका तो आपका लिवर के फंक्शन जो है वैसे ही हैम्पर हो जाएंगे अगेन ये दो तरीके का होता है सबको पता है अल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक एल्कोहल जो लेते हैं उनको एक अलग वजह से एल्कोहल की वजह से फैटी लीवर होता है और जो अल्कोहल नहीं भी लेते उनको अपनी डाइटरी हैबिट्स की वजह से अपने आहार विहार की वजह से यानी कि जो इनएक्टिविटी है उसकी वजह से फैटी फैटिलीवर हो जाता है मुझे आजकल ये लग रहा है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी एल्कोहलिकिवर ज्यादा ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब बिकॉज अगर हम मेट्रो uh, सिटीज की इनफैक्ट मेट्रो सिटीज की नहीं भी बात करें तो जो कॉपोरेट कल्चर इतना ज्यादा चल रहा है hmm. जिसमें कि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है दैट इज डिस्टर्ब आप रात को जब सोना होता है तो, तो हम जाग रहे होते हैं दिन में जब जागना होता है तो तब हम सो रहे होते हैं ना जब खाना होता है तब हम खाते नहीं है कि अभी हम मीटिंग में बिजी हैं या अभी हम काम कर रहे हैं अभी व्यस्तता है अभी हम नहीं खा सकते हैं तो वो सब कुछ जो वेग धारण करते हैं हम yeah. जो हमारे अधारणीय वेग बोले गए हैं आयुर्वेद में तेरा, yeah. हाँ उनको हम धारण कर लेते हैं कि अच्छा चलो मलमूत्र की प्रवृत्ति अब नहीं करते हैं अगर हम आई नीड टू वॉशरूम बट आई एम बिजी इन ऑफ अ मीटिंग सो विल जस्ट डिले इट

अल्टीमेटली बात वही आ जाते हैं कि जब आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर रही है है ना आपका ब्रेन तो आपको सिग्नल कर रहा है कि ये सोने का टाइम है बिकॉज हम जो बोलते हैं कि जो आयुर्वेद में सदियों से चला आ रहा है कि सूर्योदय उदय के साथ आप उठिए और सूर्यास्त के साथ आप सो जाइए लास्ट मील आपकी उसी हिसाब से होनी चाहिए नहीं। थी तो पहले यूजली लोग क्या बोलते थे प्रिमेटिव थिंकिंग है क्या है आजकल का लाइफ के हिसाब से तो ये सब चलेगा ही नहीं बट अब उसी को न्यू टर्म देके जब हमारे सामने लाया जा रहा है कि रिदम रुद्म उसके हिसाब से आप चले तो हम लगे वाह उधर से समथिंग है ना ऐसे करके हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे आयुर्वेद में तो हमेशा से इंटरमीडियंट फास्टिंग थी क्यों नहीं थी नहीं। नहीं। है ना सुबह आप खाएंगे उसके बाद आप सीधा सूर्यास्त के समय दो मील्स ही खाते होते थे अब बड़े बूढ़ों से मैंने तो सुना है कि कहते हैं ना रोगी खाए बार बार है ना और जो है योगी है वो दो ही बार खाना खाता है बोलता है तो एक अच्छे जीवन के लिए तो आपको सिर्फ दिन में दो बार ही खाना खाना चाहिए उसके अलावा तो आप ठीक है आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा है तो अगर आप खाने के टाइम नहीं खा रहे हैं वही अगेन सर कैडियन रदम आप फॉलो नहीं कर रहे हैं सोना है तब नहीं सो रहे हैं तो अल्टीमेटली बॉडी भी कन्फ्यूज़ हो जाती है आपके ब्रेन को तो पता है कि यहाँ सिग्नल है कि भाई अच्छा रात हो गई है यू नो नींद आ रही है बट हमें सोना नहीं है बिकॉज हमें या तो नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग करनी है या फिर हम कॉपरेट लाइफ में हैं तो हम बिजी हैं या हम किसी भी और लेट नाइट पार्टीज़ में जा रहे हैं तो हम अभी तो नहीं सोएंगे दो बजे से पहले हम सोते नहीं है ग्यारह बारह से पहले हम उठते नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है आपका गड़बड़ हुआ वहाँ आपकी सिर्फ अकेले हेल्थ नहीं पचास और लाइफ रहा है डॉक्टर साहब ये इतना सैड पार्ट है कि आजकल बच्चों को भी इम्पेक्ट कर, कर रहा है बिकॉज अगेन जो वही है की लाइफ डिसऑर्डर एक तो हमारा ईटिंग हैबिट्स जो है वो इतनी ज्यादा चेंज हो चुकी है ना अगर हमारे पूर्वज ऊपर से बैठ के देख रहे होंगे तो सोचते होंगे कि अच्छा ये क्या खाते थे और अब क्या खा रहे हैं टाइम से ना बिकॉज mm. इतना ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हैं हम आजकल के बच्चों को आप बोलोगे तो वो बोलेंगे पिज्ज़ा बर्गर mm. चाहिए मुझे अगर आप बोलोगे ना क्या खाना है या फिर मैगी इंस्टेंट नूडल्स टाइप जितने चले हुए हैं दो मिनट में बन जाते हैं बट अल्टीमेटली ये सब आपको हेल्थ को इम्पैक्ट करता ही करता है और बच्चे जितना ज़्यादा जंक फूड खाते हैं वो जंक फूड इज़ अगेन यू नो हाईली प्रोसेस्ड हाईली प्रोसेस्ड फूड तो आपको कहीं से भी बॉडी में फायदा न्यूट्रिशन तो होता नहीं है उसमें दे आर जीरो न्यूट्रिशन बिल्कुल है ना वो एम्प्टी जिसको हम बोलते हैं ना कि वो कैलोरीज हैं लेकिन उनमें न्यूट्रिशन नहीं है ठीक hmm. है और दूसरा वो जितने भी जो आप कहते हैं कि जंक फूड है वो मोस्टली इनकम्पेटिबल फूड्स होते हैं विरुद्धार oh, बिल्कुल. बिल्कुल कि आप बोलिए उसमें चीज डला हुआ है देन उसमें फ्राइड कुछ डला हुआ है देन उसमें आपको साथ में फ्रूट डला हुआ है मैं देगी आपको ऊपर से आ, मन मिल रहा है कुछ भी मिल रहा है तो वो सब विरुद्ध है वो आपको इतना हैवी टू डाइजेस्ट है इनकम्पेटिबल है कि वो आपको बॉडी में अल्टीमेटली जाके टॉक्सिन ही क्रिएट करने वाला है तो सैड ट्रूथ और सैड रियलिटी ये है कि बच्चों में भी ये बीमारियाँ आ रही हैं जो पहले कभी सुनने को मिलती ही नहीं थी अगर मैं आज से 10-15 साल पहले जब हम बुक्स पढ़ते थे मतलब कॉलेज में थे तो उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम कभी जिक्र आता ही नहीं था बुक्स में कि ऐसा कुछ बच्चों में भी होता है बट आजकल आप देखेंगे ओबेसिटी इज़ द यू नो बिगेस्ट प्रॉब्लम इन किड्स डेज़ तो जो चीज़ आपके आहार और विहार को गड़बड़ करेगी वो आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करेगी वो आपके बॉडी फंक्शंस को इम्पैक्ट करेगी वो अल्टीमेटली ओबैसिटी करेगी हेल्थ को खराब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के समय में बड़ों से ज्यादा बच्चों को ज्यादा हो रहा है है, बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर पे हमारी एक गलत आदत है जब भी बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड देने के लिए हम आ, उनसे पूछते क्या खाओगे क्या उनको हाओगे? बर्गर या पिज्जा का ये ऑप्शन जब हम एक अच्छे रिवॉर्ड के तौर पे हमें उन्हें अच्छी चीज देनी चाहिए वहां पे हम उनको एक गलत

सबसे पहले तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को घर से ही बाहर कर देना चाहिए उसको तो आपको देखना भी नहीं चाहिए छूना तो बहुत ठीक, बात है इसके ठीक, अलावा नॉन अल्कोहलिक <laughs> फैटी लिवर की अगर हम बात करें तो फ्राइड फूड जितना अच्छा। भी है वो आप हटा दीजिएगा ना हैवी है खाना जितना भी आप बोल सकते हैं वो सिर्फ फ्राइड नहीं है उसमें आपके फिर राजमा हो गए छोले हो गए अगेन पनीर हो गया सोया वो जो हैवी टू डाइजेस्ट है ये भी नहीं लेना वो आपको कम लेना है अच्छा हाँ जी नहीं लेना है Because आपका डाइजेशन इतना पुअर है और आप अगर उसको खाते हैं तो लीवर पे आप एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं okay. तो लीवर पे एक्स्ट्रा लोड जाएगा तो वो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो जितना हैवी खाना जिसको हम बोलते हैं वो आपको बिल्कुल हटा देना चाहिए है ना बहुत ज्यादा स्पाइसेस स्पाइस बहुत ज्यादा स्पाइसेस में मैं क्या बोलूंगी सॉल्ट एंड शुगर स्पाइसेस ज्यादा मैं अगर बोलूंगी सॉल्ट एंड शुगर मुझे बोलना चाहिए बिकॉज जो रिसेंट स्टडीज हुई है उसके हिसाब से सॉल्ट एंड शुगर आर द न्यू कल्परेट फॉर लिवर हेल्थ एंड फॉर कार्डियक हेल्थ दोनों के लिए hmm. दोनों के लिए ये दो चीज़ें हैं आप सॉल्ट एंड शुगर आप हटा दीजिए हटा दीजिएगा मतलब ये नहीं है कि आप किचन से ही गायब करते हैं बट कम मात्रा में उसको सेवन करें जैसे जितना आपको चाहिए उससे थोड़ा सा कम लें और धीरे धीरे देर आदत पड़ जाती है आपको शुरू में तो ज़रूर लगता है कि उतना स्वाद नहीं आ रहा जितना आना चाहिए बट अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो ये न्यू कल्प्रिट है और यही असली कल्प्रिट है न्यू क्या हमें तो हमेशा से पता था आयुर्वेद में तो हमेशा से हमें बोलते हैं कि चलो घी खाना चाहिए अब मैं लेवर की बात नहीं कर रही इन जनरल मैं वैसे बोल रही हूँ कि घी के लिए हमें बोला जाता है कि बहुत यू नो अच्छा है खाना चाहिए लेकिन इतने सालों से उसे इतना बिगेस्ट मॉन्स्टर बनाया दिया था घी को कि घी तो देखना भी नहीं चाहिए नाउ अगेन दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि घी तो अच्छा है अगर आपका डाइजेशन ठीक है बॉडी ठीक है बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन हाँ अगर आपका लिवर हेल्थ डैमेज है तो आप अवॉइड करेंगे इनिशियली उसको करेक्ट कीजिए देन आप स्टार्ट कर सकते हैं ओके okay, ये और बताइए कि क्या फैटी लिवर को रिवर्स किया जा सकता है डॉक्टर साहब एक हद हाँ तक तो बिल्कुल किया जा सकता है है ना एक हद हाँ के बाद अगर वो चीज़ें ज्यादा खराब हो गई हैं जब स्कारिंग शुरू हो जाती है सिरोसिस की तरफ चला जाता है तो ऑब्वियसली उसमें फिर प्रॉब्लम आती हैं बिकॉज आप ऐसा लगाइए कि मान लीजिए कि लिवर जो है वो वाइट है एक हम मानते हैं तो खराबी की वजह से कुछ हिस्सा ग्रे हो गया है है ना कुछ बिल्कुल खराब होकर ब्लैक हो गया है तो जो ग्रे हिस्सा है उसको हम बोलेंगे उसमें फिर भी पोटेंसी भी बाकी है तो उस ग्रे को आप रिवर्स करके वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं बट जो ब्लैक हो चुका है उसको आप व्हाइट नहीं कर सकते हैं। तो एक हद तक अगर आपका लिवर फंक्शंस गड़बड़ है तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं बिकॉज बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जब लीवर डैमेज आ जाता है स्कारिंग हो जाती है सिरोसिस शुरू हो जाता है तब हम नहीं उसको आ, इतना रिवर्स कर सकते हैं जरूरी स्टेज में क्या किया जा सकता है घर पे मान लीजिए आपकी रसोई में क्या चीज है जिससे आपके लीवर हेल्थ अच्छी हो जाए डॉक्टर साहब नंबर वन तो वही है कि अपना लाइफ अपना ठीक ही सुबह टाइम से उठें टाइम से खाना खाएं और ये आपको सबसे पहले करना है दूसरा जो है वो आपको अगेन जो चीजें मैंने बोली कि अवॉइड करनी चाहिए वो आपको छोड़ देनी चाहिए तीसरा बहुत सारी चीज़ें हमारी किचन में या यू you नो know, वेजिटेबल और फ्रूट ऐसे हैं जो आप अगर सेवन करेंगे तो लिवर हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती है yes. जिसमें से अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है मानसून उसमें करेला बहुत बहुत आयत में मिलता है अच्छा। और करेला इज़ वंडरफुल फॉर लिवर हेल्थ बिकॉज उसमें अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ तो तरस होता है यानी जिसको हम बोलते हैं बिटर Hmm. तो वो लीवर फंक्शंस को बहुत अच्छा करता है उसमें ऐसे एंजाइम्स जो लिवर फंक्शंस के लिए जरूरी हैं उनको जनरेट करने में हेल्प करता है देन अगेन जो हम बोलें क्रूसी फ्रस वेजिटेबल जिसमें आ गया आपका कैबेज कॉलीफ्लावर ब्रोकली ये सब जो है वो भी आपकी लिवर हेल्थ इम्प्रूव करती हैं hmm. तीसरा एक है, जो बहुत ही कॉमन यू नो स्पाइस है जो हर घर में जरूर जरूर मिलता है और उसके बिना तो भारतीय खाना बनता ही नहीं है जो है हल्दी अच्छा तो हल्दी बहुत अच्छी है लिवर हेल्थ के लिए हल्दी का प्रयोग करें तो उसमें भी बिकॉज़ आपका लिवर अगर डैमेज है उसी लिवर के फंक्शंस आपके गड़बड़ है तो आप वो जो टर्मरिक लाटे नाम से आजकल फेमस हो रहा है हल्दी वाला दूध तो आप ना लें तो आप हल्दी का अलग से कंजम्पशन करें खाने के रूप में करें या फिर आप हल्दी और काली मिर्च इकट्ठा सेवन करें okay. है ना तो अच्छा उसका पोटेंसी बढ़ जाती है बिकॉज़ एज अ करियर आपकी बॉडी में हेल्प करता है उसको काम करने में वो, वो उसके लिए मतलब अच्छा कैटलिस्ट का हाँ जी कैरियर है कैटलिस्ट का काम करता है वैसे तो आयुर्वेद में बोला जाता है कि घी घी के बिना जो करके में है उसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में होता ही नहीं है तो थोड़ा अमाउंट ऑफ आपको चाहिए होता है हल्दी के एब्जॉर्प्शन में तो कैसे लेना चाहिए क्या सब्जी वगैरह में डाल के हल्दी का यूज करना चाहिए या फिर के समय पानी के अंदर या फिर घी के साथ तो यही तो यही कहते हैं है, है। है? बन, है तेल या घी में तो स्नेह तो आपका जा ही रहा है उसमें आप हल्दी डालते हैं तो ऑब्वियसली उसका कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है कि बॉडी में बढ़ जाएगा इनफैक्ट जो आजकल जो कैप्सूल्स मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं कक्यूमन कैप्सूल लेकिन आप अल्टीमेटली कैप्सूल लेते हैं किससे हैं पानी के साथ लेते हैं तो उसका एबसॉर्प्शन होना ही नहीं है बॉडी में या तो आप कर्क्यूमन के कैप्सूल थोड़ा दूध के साथ लें अच्छा है ना बिकॉज दूध में जो फैट होगा उससे आपका एब्जॉर्बन बढ़ जाएगा और अगर आपके कर्क्यूमिन के कैप्सूल के अंदर आप काली मिर्च भी है तो तो फिर सोने पे सुहा गए बिल्कुल okay. बढ़िया उसके अलावा जो है गार्लिक लहसुन बहुत अच्छा काम करता है लिवर एंजाइम्स को जनरेट करने में उनका फंक्शनिंग में तो लहसुन का प्रयोग शुरू करें वो ज़रूरी नहीं है कि आप रॉल लें गार्लिक बिकॉज रॉ खाना सबको ठीक नहीं लगता है वो भी अगेन आपकी प्रकृति पे डिपेंड करता है अगर आप पित्त प्रकृति के होंगे तो आपको गार्लिक रॉ लेते ही एसिडिटी शुरू हो जाएगी है ना बिकॉज वो इतना उष्ण होता है गर्म होता है तो उसको आप खाने यूज़ आप में यूज कीजिए आप सब्जियों में डालिए अपना खाना पकाते हैं उसमें गार्लिक यूज किए तो वो बहुत अच्छा एक किचन से आइटम है जो हम यूज कर सकते हैं ओके डॉक्टर जी तो हमने इस बारे में तो बात की कि हमारे गट का और माइंड का आपस में रिलेशन है क्या हमारे गट का और हमारी इम्यूनिटी का भी आपस में कोई रिलेशन है बिल्कुल है डॉक्टर साहब अभी इम्यूनिटी कहाँ से आती है वो भी तो आहार रस से ही आती है ना जैसा आप खाते हैं वैसे ही आपकी आगे आगे जो सप्त धातुएं जो आयुर्वेद में बताई है रस रक्त मास में दस्ती मिर्चा शुक्र है ना या जिसको अगर हम बोले बॉडी यानी ब्लड मसल्स बोन्स रफली अगर हम ट्रांसलेट करें बोन मैरो ये सब तो वो बनता कहाँ से है वो आहार से बनता है तो जैसा आप न्यूट्रिशन लेते हैं वैसे ही आपकी उत्तर उत्तर धातुएं बनती रहेंगी अगर आप खाना ही अच्छा नहीं खा रहे हैं आप आपका लाइफस्टाइल या विहार ही ठीक से नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं वो अच्छे से बनेंगे ही नहीं और वो नहीं बनेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बॉडी की वैसे ही वीक हो जाएगी अगर आपकी बॉडी इतना स्ट्रॉग ही नहीं है तो कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन आपको बीमार करने के लिए सफिशियंट है तो आपकी इम्यूनिटी तभी स्ट्रांग रहेगी जब का आप आहार और बिहार या गट हेल्थ जिसको बोलते हैं में hmm. बोलते हैं रोगा सर्वे अपनी मंदो अग्नि यानी सारी जो प्रॉब्लम्स की जड़ है सारे रोगों की जो जड़ है वो मंद अग्नि या आपकी डिस्टर्ब डाइजेस्टिव फायर है बड़े बूढ़ों से भी आपने सुना हुआ कहते हैं कि भाई पेट से शुरू होती है सभी बीमारियां है ना वो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे हमें अभी लगता है कि कुछ बातें ऐसे ही हवा में बोल देते हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट थे तो जो वो बातें बोलते थे वो भी अपने एक्सपीरियंस से बोलते थे

बिकॉज आचार्यों ने क्या बताया है कि यद किंचित लाघव करम देहम तत लंगनम स्मृतम और लंगन का ही एक प्रकार है फास्टिंग अब लंगन का क्या मतलब है जो भी चीज़ एनी एक्टिविटी और एनी फूड आइटम या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी में लघुता या लाइटनेस लेके आता है उसको हम बोलते हैं लंघन तो फास्टिंग इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ लंघन कि बहुत ईजी है ये सब आराम से कर सकते हैं बाकी जो चीज़ें हैं वो शायद आप नहीं कर सकते घर बैठ के या जैसे ये आपको नहीं इतना ईजिली फिजिबल होंगी तो फास्टिंग ईजिली हर आदमी कर सकता है है ना अब इंटरमीडियंट फास्टिंग इसलिए अच्छी है बिकॉज वो आपके सरकैडियन रिदम के साथ चलती है अगैन बॉडी कि ठीक है आप सूर्य उदय हुआ उसके हिसाब से आप उठे हैं देन आपको जब मल प्रवृत्ति हो गई उसके बाद भूख लगी आपने खाना खाया उसके बाद सूर्यास्त के साथ हमारी डायजेस्टिफायर वीक हो जाती है बिकॉज हमारी डाइजेशन भी सूरज के घटने बढ़ने के हिसाब से चलती है हाँ जी जब अपना सन पीक पे होता है आफ्टरनून में तब हमारी डाइजेस्टिव डाइजेस्टिफायर पीक पे होती है तो जो एक मिसकनसेप्शन अगेन है कि ईट हैव द ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग वो मैं नहीं मानती हूँ वी शुड हैव द लंच लाइक अ किंग क्योंकि लंच में आपके डाइजेस्टिव फायर इतना पीक पे है कि आप जो भी खाएंगे वो अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो जाएगा ब्रेकफास्ट कीजिए आराम से कीजिए लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा की तरह सब कुछ आपको हजम हो जाएगा आप छप्पन भोग रख लीजिए नहीं वो आप करें लंच में ओके okay. है और फिर देन डिनर में जैसे जैसे सूर्य अस्त होता रहता है बॉडी की हम हमारी स्लो डाउन होती है बिकॉज हम क्या है हम प्रकृति का ही तो एक स्वरूप है ना एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ यूनिवर्स उसी में से बने हैं हम पंच भौतिक शरीर है हमारा जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है उन्हीं पंच महाभूतों से हमारी बॉडी बनी है तो हम इतना क्लोज इंटरलिंक्ड हैं प्रकृति के साथ कि जब सूर्य स्लो डाउन होता है तो हमारी बॉडी को पता है कि ये हम हमें भी स्लो डाउन होने का टाइम है hmm. अब रिलैक्स करोगे आप तो उस टाइम अगर आप खाते रहेंगे तो ओवरलोड करते रहेंगे अपने बॉडी को तो अगेन लिवर तो आपका रेस्ट ही नहीं कर रहा बिल्कुल अगर आपको बारह बजे रात को जो आजकल पार्टी कल्चर बड़ा इन है दो दो बजे तक पार्टी चलती है आई बीन टू सच पार्टीज की जहाँ पे बारह बजे तो लोग खाना सोचते हैं कि अच्छा, अच्छा अभी ओपन करते हैं खाना तो बारह बजे आप खाना ओपन करेंगे या आप ऑर्डर करेंगे कहीं से बाहर से वो आपका एक बजे तक तो आने वाला है दो बजे आप खाने वाले हो कब आप सोने वाले हो घर जाके ठीक है तो आप लिवर को रेस्ट कब दे रहे हो और ये नहीं है कि वो अगर आप खाना बारह बजे ऑर्डर कर रहे हो या एक बजे ऑर्डर कर रहे हो उससे पहले आप कुछ खा ही नहीं रहे उससे पहले भी आप स्नैक्स ले रहे हो ड्रिंक्स ले रहे हो पॉक्टिल्स मॉकटिल्स जो भी है मतलब कुछ ना कुछ मंचिंग तो आपकी जारी रहती है पूरे दिन तो लिवर भी तो एक बॉडी का ऑर्गन है उसको रेस्ट चाहिए उसको डिटॉक्सीफिकेशन कब करेगा वो जब वो रेस्ट करता है तभी तो डिटॉक्सीफाई करेगा खुद को या बॉडी को अगर आप उसको रेस्ट करने का ही मौका नहीं दे रहे तो वो ओवरलोड होकर ऑब्वियसली वो लिवर फंक्शन भी हैम्पर करेगा जाके कहीं ना कहीं तो सोने से कितनी देर पहले खाना बंद कर देना चाहिए देखिए यूजुअली तो हम बोलते हैं कि सात बजे के करीब आपको खा लेना चाहिए सात साढ़े सात लास्ट मील होनी चाहिए बिकॉज लेकिन आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम कोई भी आजकल आठ बजे या नौ बजे नहीं सोने वाला होता है दस ग्यारह तो सबको बचते हैं तो फिर भी आप कोशिश करें कि सोने से दो घंटे पहले तक आप खाना खा लिया अपना लास्ट मील एंड लास्ट मील का मतलब है कि उसके बाद ये नहीं कि आप मंच का आप कहें कि डिनर तो मैंने अपना कर लिया लेकिन उसके बाद मुझे रात को मन किया तो मैंने चॉकलेट खा लिया या मैंने बिस्किट खा लिया वो भी खाना ही है आप मुँह से कुछ भी अगर ले रहे हैं अंदर जल भी इनफैक्ट आप ले रहे हैं उसका भी तो डाइजेशन होना है ना ऐसा थोड़ी ना है कि पानी पिया और ऐसे ही निकल जाएगा उसको भी तो डाइजेस्ट करती है बॉडी तो पानी भी नहीं लेना उसके बाद नहीं पानी आप ले सकते हैं मतलब एक मैं कहने की बात कर रही थी कि कुछ भी आप ले रहे हैं तो वो एक भोजन का ही प्रमाण है पान, पानी में तो खैर शुगर नहीं होती जिस भी चीज़ में शुगर है जो भी चीज़ अल्टीमेटली जाके शुगर में कन्वर्ट होने वाली है वो चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए जिसमें टी कॉफी कल्चर आजकल बड़ा है कि आप रात को जाग रहे हैं काम कर रहे हैं तो यू नो कॉर्पोरेट्स में आजकल क्या होता है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट फॉर्म्स अगर आपने देखी होंगे आपकी कोई जान पहचान के अगर शायद काम करते होंगे कि आपको पता होगा तो वहां पे ना आपके डेस्क के साइड पे आपको पूरी बास्केट दी जाती है अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे वहां पे इतना सारा कुछ मंच करने के लिए रखा होता है ताकि आप अपना काम छोड़ के डेस्क से ना जाए आपको भूख लगे आप वहीं से मंच करते रहे हैं ना या फिर एक जाके कॉर्नर में कहीं कॉफ़ी कॉर्नर होगा वहाँ जाके आप जाएंगे कॉफी लेते रहेंगे स्नैक्स लेते रहेंगे तो अल्टीमेटली हमें लगता तो बड़ा फैसिनेटिंग है कि यार यहाँ पे कंपनी इतनी सुविधा हमें प्रोवाइड कर रही है कि सब कुछ हमारा रखा हुआ है हमें हिलने की जरूरत नहीं है बट वो कितना गलत है पहली बात तो आप हिल नहीं रही हैं hmm. जो आपको उठ के जाना चाहिए हर आधे घंटे में एटलीस्ट वो आप नहीं कर रहे हैं दूसरा आप खा रहे हैं बिन चीटिंग चल रही है आपको पता भी नहीं चलता रियलाइज नहीं करते अच्छा दो तीन चिप्स के पैकेट तो ऐसे ही निकल गए है ना तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है दूसरा आपने फास्टिंग पूछा तो फास्टिंग अगर आप पूरा दिन फास्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे रही है ठीक है उससे अच्छी क्या बात हो सकती है वो डिटॉक्सीफाई करेगी बिकॉज आपकी बॉडी में जब आपको अंदर आप शुगर नहीं मिल रही या फैट में तो क्या करता है वो तो बॉडी में स्टोर्ड है उसको यूज़ करता है ना ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं लेंगे तो शुगर तो हम खत्म हो जाएंगे एक दिन में दो दिन में है ना अब आप देखा होगा स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे थे कितने कितने महीनों का उन्होंने फास्ट किया था तो बॉडी पे आज तीन तीन महीने के लगभग भगत सिंह जी ने फास्ट किया था जब वो जेल में थे तो ऐसा नहीं है कि बिना खाना खाए आप नहीं चलेंगे एक हद तक तो आप चलेंगे ना वो टाइम लिमिट हर बंदे की अलग होती है कोई दो दिन हो सकता है किसी के हफ्ते हो सकते हैं किसी के महीने हो सकते हैं किसी की दो महीने हो सकती है तो बेसिकली आप अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे तो जो रिजर्व करके रखा है ना सेव करके रखा है सिचुएशन <laughs> के लिए बॉडी किस लिए सेव करती है डेंजर के लिए सेव नहीं। नहीं। करती है कि जब जरूरत हो तब यूज कर सके तो अगर आप खाना नहीं खाएंगे है ना फास्टिंग आप कर रहे हैं तो बॉडी जैसे मैंने बोला बहुत इंटेलिजेंट है हमारा ब्रेन का क्या काम है बॉडीली फंक्शन तो करना है लेकिन उससे इंपॉर्टेंट काम ब्रेन का क्या है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना mm -hmm. तो उसको क्या लगता है कि अच्छा फास्टिंग है कुछ खा नहीं रहे हैं तो इसका मतलब बॉडी डेंजर में आ रही है कि हमें तो बाहर से मिल नहीं रहा तो क्या करूं जो बॉडी का रिजर्व है वो उसको यूज करना शुरू करता है ठीक mm -hmm. है तो वो उस एक तो आपका वहां से जो रिजर्व है वो जा रहा है दूसरा आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है बिकॉज आप मुँह से कुछ नहीं ले रहे तो बॉडी को जो एक्स्ट्रा लोड है कि मल प्रवृत्ति करनी है तो वो सब चीजें नहीं होती है उसको डाइजेस्ट करना है तो बॉडी को रेस्ट भी मिलता है आपको डिटॉक्सीफिकेशन भी होती है अब अगेन मैं वही बात बोलूँगी कि जब हम बोलते हैं ना हमारा जो जिसको बोलते हैं सनातन है ना सनातन धर्म अब सनातन धर्म अगेन इज नॉट रिलीजन धर्म क्या है आप और मैं वैद्य हैं hmm. हमारा धर्म क्या है हमारा धर्म है वैद्यत्व रोगी का जो है उसकी रक्षा करना वो हमारा धर्म है धर्म बेसिकली इस कर्तव्य है जो आपको चीज़ें करनी चाहिए तो वही सनातन है सनातन धर्म है कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए वो सनातन है और ये आपसे नहीं शाश्वत है सदियों से चला आ रहा है और हम जैसे मैंने बोला कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है उस पार ब्रह्म का हिस्सा है हमारा पंच महाभौतिक शरीर है ये तो अब मॉडर्न थीरीज के हिसाब से भी अगर हम सोचेंगे वो बिग बैंग थीरी है कि सब वहीं से बना है है ना तो जा जिस मटेरियल से बाकी सब चीज़ें बनी हैं इस सृष्टि में उसी से हम बने हैं पंचमहाभौतिक तरीकों से तो हमारा जो सनातन धर्म वो बना ही इसलिए था कि हम प्रकृति के सबसे ज़्यादा क्लोजली रह सके बिना उसको डिस्टर्ब किए बिकॉज हम बिना प्रकृति के संभव ही नहीं है हमारा एग्जिस्टेंस अगर नेचर को हम डिस्ट्रॉय करते हैं ऑब्वियसली हमारा डिस्ट्रक्शन तो होना ही होना है तो सनातन धर्म की खूबसूरती यही है दिस इज़ द ब्यूटी कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए ताकि आप भी ठीक रहें है ना आपके आसपास जो पेड़ पौधे पक्षी हैं नदी हैं प्रकृति हैं वो कैसे ठीक रहे वही सनातन धर्म है अब सनातन धर्म को हम आजकल सोच लेते हैं कि हिंदुआजम से हिंदुआज़म में से पूजा पंद होती दैट इज डिफरेंट तो सनातन धर्म और आयुर्वेद इज़ वेरी इंटरट्वाइंड वही हमारा आयुर्वेद बोलता है कि सुबह आप उठिए टाइम से ठीक है आप अच्छा पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए अहिंसा नहीं करनी आपको किसी भी तरीके की जो मॉरल सिर्फ आयुर्वेद आपको मेडिसिन शास्त्र थोड़ी ना है आयुर्वेद आपको ये थोड़ी ना है कि बीमार होते हैं तो ये दवाई ले लो ये आयुर्वेद नहीं है वो आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है तो आयुर्वेद विज्ञान नहीं आयुर्वेद ज्ञान का भंडार है ना जो अनलिमिटेड अन नॉलेज इट हैज़ और हम सब लोगों को जितना भी ज्ञान है मैं तो कहूँगी एक दो बाल्टी उस समुद्र में से हमने ली है एक पूरा लाइफ टाइम निकल जाएगा तब भी हम पूरा आयुर्वेद को नहीं अपना सकते या कर सकते तो हमारे सनातन धर्म में इसीलिए फास्टिंग बनाई थी अब आप और मैं पढ़े लिखे हैं या और भी जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं उनको अगर हम ये साइंटिफिक वे में समझाए ना कि फास्टिंग आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो हमें फिर भी बात समझ में आती है हम कर लेंगे लेकिन पहले के लोग क्या है धर्म को या जो पूजा पद्धति जिसको हम धर्म बोल देते हैं उसको अपने से ऊपर रखते थे तो वो सोचते थे कि इसीलिए उसको लिंक कर दिया जाता था बेसिकली तो आपको बोल दिया जाता था कि रिलीजियस फास्टिंग ठीक है चाहे अब वो नवरात्रे ले ली लीजिए आप है ना या फिर आप और किसी भी तीज का फास्ट ले लीजिए करवा चौथ का फास्ट ले लीजिए कोई भी फास्ट आप ले लीजिए अब नवरात्रे भी जो है वो देखिए कितने खूबसूरत टाइम पे आते हैं उनका जो टाइम है आने का वो है ऋतु संधि का काल जो हम आ, एक तो हम शरदीय नवरात्रे होते हैं और एक वसंतीय नवरात्रे वसंत यानी जो वसंत अप्रैल के महीने में आता है वो शरदीय जो आगे जाके अक्टूबर नवम्बर में जब आएंगे तो उस दोनों टाइम मेजर सीजन चेंज हो रहा होता है और हमारी बॉडी इतनी वीक होती है कि वो 15-20 डेज जो होते हैं ट्रांजिशन के फ्रॉम द पास्ट ऋतु टू तो द नेक्स्ट ऋतु no. उसमें हम जितना लाइट खाएंगे जितना सिंपल जीवन जिएंगे है ना अपना आहार विहार संयमित रखेंगे उतना हमारी हेल्थ इम्प्रूव होगी तो फास्टिंग का बेसिकली पर्पज़ ये था उसको धर्म से इसलिए जोड़ा कि हम करेंगे फिर बिकॉज <laughs> हम अपनी हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं सैडली इंडिया में जितनी हम धर्म को देते हैं तो धर्म से जोड़ दिया गया तो वही चीज़ अब हम क्या बोलते थे अभी आजकल सो कॉल्ड मॉडर्न जो लोग हैं ना वो और बड़े इस चीज़ को चैलेंज करते हैं कि यार क्या रूढ़ीवादी बातें हैं प्रमिटिव सोच है आप लोगों की कि फ़ास्ट करो क्यों मैं हस्बैंड के लिए फ़ास्ट करूं क्यों मैं बच्चों के लिए फ़ास्ट करूं है ना? ना या फिर ये फ़ास्टिंग मतलब मेल्स के लिए क्यों नहीं है मेल्स के लिए भी है नवरात्रों में तो कहीं ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप फीमेल्स ही करेंगी मेल्स नहीं करेंगे या और भी बहुत ऐसे फास्ट हैं जो आप बोलते हैं कि सब किसी के लिए फ़ास्ट है सिर्फ एक रोगी और वृद्ध और एक बच्चों को छोड़ के हर किसी के लिए फास्टिंग बोली जाती है वही फास्टिंग अगर अब मैं बोलूँगी वेस्टर्न लोग जो हैं या वेस्टर्न डाइटिक्स के हिसाब से अब बोलते हैं कि फास्टिंग करो ठीक है इंटरमीडियंट फास्टिंग करो ड्राई फास्टिंग ड्राई फास्टिंग, फास्टिंग इनफैक्ट जिसमें वो बोलते हैं कि मुँह से पानी भी नहीं पीना चाहिए ओके okay. है ना जिसको हम बोलते हैं और हम अगर बोलते हैं कि निर्जल व्रत करें हम तो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अच्छा निर्जल व्रत करने को बोल बोला जा रहा है ये तो टॉर्चर है निर्जला है ना फीमेल्स के लिए टॉर्चर है mm -hmm. तो और हम बोला जाता है अगर वही चीज ड्राई फास्टिंग के रूप में mm -hmm. मतलब वो ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल mm -hmm. तो नई पैकेजिंग करके न्यू फैंसी वर्ड्स यूज करके हमारे सामने पेश करते हैं तो हम कहते हैं वाह समथिंग वी शुड ट्राई इट है ना लेकिन और स्पेशली हमें एक ये आ जाता है कि फीमेल्स को ही क्यों ठीक है निर्जला फास्ट मेल्स को क्यों नहीं बोला गया वही फीमेल्स को क्यों बोला गया फीमेल्स जो अपनी एक लाइफ स्पैन में जितना चेंजेस से गुजरती हैं वो मेनाक से लेके कर से लेके चाइल्ड बर्थ सब कुछ देखती हैं और इनफैक्ट जो हर महीने यू नो पीरियड्स होते हैं वो एक इतना बड़ा ट्रांजिशन चेंज होता है हार्मोनल तो उनकी हेल्थ को प्रायरटी सबसे ज़्यादा दी जाती थी तो सबको लगता था कि वो ज़्यादा सेहतमंद रहना ज़रूरी है इसीलिए जो फास्टिंग है वो फीमेल्स के लिए ज़्यादा बोली गई है उसको हम सोच लेते हैं कि हम रूढ़ीवादी सोच है या हम यू you नो know, बहुत बैकवर्ड हमारी थिंकिंग है हम सप्रेस करना चाहते हैं नहीं हमारे यहाँ तो यत्र नारे तो पूजनते रमनते तत्र देवता जहाँ नारियों की पूजा करते हैं वहीं देवता रमन करते हैं तो नारियों को तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सम्मान शुरू से दिया गया है इसीलिए फास्टिंग शुरू हुई थी हेल्थ पर्पज से रिलीजियस पर्पज से नहीं और वो हर रिलीजन में है

तो क्या लीवर को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है भी या नहीं या वो खुद से खुद की डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है देखो डॉक्टर साहब अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं आप स्वस्थ हैं तो आपका लीवर ऑब्वियसली अपने आप डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है बट सैडली जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है ना सभी का इनफैक्ट 90-95 परसेंट लोगों का वो ऐसा है कि बहुत ही इराटिक लाइफस्टाइल है तो उसमें तो आपको कम बीच बीच में अगर डिटॉक्सिफिकेशन -डि -डि कराना ही चाहिए और वैसे भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी आयुर्वेद में बोला गया है कि जो आप ऋतु संधि काल होता है उसमें आप ऋतु संधि काल में शुद्धि करा, करानी चाहिए आपको है ना okay. तो उसमें तो शोधन हर किसी को कराना चाहिए अब अगेन वही बात आ जाती है जब हम बात करते हैं कि पंचकर्मा कराएं या शो शोधन कराएं तब फिर वही आ जाते हैं क्या पंचकर्मा क्या नॉनसेंस है है ना और वही चीज़ जब आ जाती है गट कलेंजिंग प्रोग्राम हम ये कर रहे हैं तो हमें बड़ा फैंसी वर्ड है कुछ तो अलग तरंगे करा रहे होंगे तो ये है लेकिन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन वैसे तो देखो अगर आप रोगी हैं व्याधि है आपको कोई तो उस हिसाब से आपकी डिटॉक्सिफिकेशन शोधन और शमन दो तरीके की चिकित्सा होती है हमारे यहाँ पे एक तो होता है कि आप दोषों को शरीर से बाहर ही निकाल दें ताकि वो दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट ना करें अब वैसा आजकल होता नहीं है ठीक है एक बार दोष शरीर से निकल जाते हैं उसके बाद वो ठीक तब रहेंगे बैलेंस में तब रहेंगे जब आप उसके बाद अपना आहार विहार ठीक रखेंगे लेकिन हम क्या करते हैं एक बार डिटॉक्सिफिकेशन करा लिया तो अगले तीन महीने इतना बिगाड़ देंगे ना फिर कि अब तो हम ओके हैं अब तो हम जो मर्जी खा सकते हैं तो हम दुगना खराब कर लेते हैं तो वो इतना ज़्यादा खराब कर लेते हैं कि फिर डिटॉक्सीफिकेशन की उनको ज़रूरत पड़ती है तो बेसिकली जो मैं कहूँगी एक नॉर्मल हर किसी को जो एक ऋतु संधि काल में ऋतु शोधन जो होता है वो कराना चाहिए जो बेसिकली जो मेजर होता है जैसे मैंने नवरात्रों का बताया कि एक बार वसंत में आते हैं एक बार शरद में आते हैं तो उन दोनों ही काल में आपको अपना ऋतु शोधन कराना चाहिए बॉडी डिटॉक्सीफिकेशन जो कि जनरली पंचकर्मा थेरेपीज के द्वारा होता है उसमें भी मेन मैं आपको बोलूँगी वमन और विरेचन यानी कि एम्बिस जो लगवाते हैं या लूज मोशन या पर्गेशन जो कराते हैं एंड देन बस्ती एनिमा इज अनदर फॉर्म ऑफ यू नो पंचकर्मा ट्रीटमेंट वन ऑफ द पंचकर्मा और अनिमा में भी अगेन कई बार हम बोलते हैं ना कि ठीक है अगर हम लेमन लैंग्वेज में उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अच्छा अनिमा हम तो खुद ही घर पे कर लेंगे पानी से जबकि बस्ती इज नॉट टू अनिमा तो एक रूट जो है या एक देने का एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका जो है वो हम अनीमा वाला बोल सकते हैं बट बस्ती और एनिमा को हम इक्वलेंट नहीं कर सकते बिकॉज आयुर्वेद में तो बस्ती अर्थ चिकित्सा मानी गई है बिकॉज वहां से अब्जॉर्बशन इतना अच्छा होता है ना मेडिसिन का तो वो आदि चिकित्सा के बराबर उसको माना गया है कि अगर आप दोषों के हिसाब से रोगी की अवस्था के हिसाब से रोग के हिसाब से अगर आप बस्ती दे रहे हैं अलग अलग मेडिसिनल द्रव्यों की तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट करते हैं तो सिर्फ प्लेन वाटर एनिमा आपको सिर्फ एक कुछ दिन के लिए स्टूल पास करा देगा बट आपके रोग को ठीक नहीं करेगा तो अगर आपको डिटॉक्सीफिकेशन कराना है तो आपको प्रॉपर वो भी आप घर पर करने से काम नहीं चलेगा उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है तो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आयुर्वेदिक वैद्य के पास आपको जाना पड़ेगा अपना पहले डाइजेस्टिव फायर करेक्ट करनी पड़ेगी उसके बाद होता है स्नेहन तो आपके बॉडी में ऑयलेशन करते हैं इंटरनली है mm. ना तो इंटरनली जब आप में इतना ज़्यादा स्नेह आ जाता है जो सफिशेंट जो हमें लगता है सम्यक स्निग्ध के लक्षण जब हमें मिल जाते हैं उसके बाद हम जाते हैं एक्सटर्नल थेरेपीज़ के लिए जो है स्नेहन एंड स्वेदन स्नेहन मीन्स बॉडी मसाज एंड स्वेदन मीन्स अगेन जो आपको हॉट फर्मेंटेशन किसी भी तरीके से स्टीम बात वगैरह दी जाती है अब अगर आपका डाइजेशन करेक्ट नहीं करेंगे पहले और आपको सीधा ही स्नेह हम दे देंगे या घी पीने के लिए दे देंगे या ऐसा कुछ दे मेडिकेटेड जो भी देंगे आपको तेल पीने के लिए देंगे अगर अवस्था अनुसार तो वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो सबसे पहले डाइजेशन तो किसी भी तरीके की जो चिकित्सा हम शुरू करेंगे तो उसमें डाइजेशन हमें करेक्ट करना ही पड़ेगा उसके बाद हम फिर स्निग्ध करेंगे बॉडी को देन हम स्ने स्वेदन पे जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे दोषों के हिसाब से एंड ऋतु के हिसाब से कि कौन सा सीजन चल रहा है ओके okay. है ना अब वसंत में वैसे ही कफ का प्रकोप होता है बिकॉज उससे पहले कफ का संचय हो चुका होता, होता है शरद में तो अब उसमें हमें कफ दोष को बाहर निकालना जरूरी है तो उसके निर्हारण के लिए आप वमन करेंगे एम एसिस बिकॉज कफ का जो स्थान मेन स्थान वैसे तो सारे दोष पूरे शरीर में विचरण करते हैं पूरे शरीर में कहीं कही ना कहीं होते हैं लेकिन एक मेन स्थान जो बताया उराय प्रदेश बताया नहीं। गया यानी जो चेस्ट एरिया हमारा है तो उससे किसी भी चीज़ को अगर बाहर निकालने का इजीली एक्सटर्नल रूट जो नियरेस्ट रूट है दैट इज माउथ तो उसको निकालना है अगर तो उसके लिए आपको वमन कराना पड़ेगा देन शरद में हमारी बॉडी में पित्त दोष बड़ा होता है है ना इसीलिए आपने देखा होगा शरद पूर्णिमा हम मनाते हैं और उसमें यू नो चांद की किरणों में हम खीर रखते हैं बना के नेक्स्ट डे फिर सुबह लेते हैं बिकॉज वो शीतल हो जाती है तो आपके पित्त को कहीं ना कहीं शमन करती है इसीलिए वो सेवन करना बताया गया अगेन जो मैंने आपको पहले बोला था कि सनातन और आयुर्वेद को इतना अच्छे से एंटरटोइन कर दिया है क्या कि वो आपका एक लाइफ का हिस्सा बन जाए अब सबको यू नो पता है कि शरद पूर्णिमा है तो हमें खीर बनानी है छत पे रखनी है चांद की रोशनी में सुबह खानी है प्रसाद रूप में अब ये नहीं पता कि वो आप प्रसाद रूप में आप ग्रहण तो कर रहे हैं लेकिन वो आपके पित्त को करेक्ट करेगा इसीलिए बनाया गया है तो उस टाइम जो पित्त संचय बॉडी में होता है पित्त का जो प्रकोप होने वाला होता है शरद में उसको बाहर निकालने के लिए पित्त का क्या है देन अगेन अधिष्ठान इज द यू नो एरिया तो उसको बाहर निकालने के लिए जो इजिएस्ट रूट है दैट इज पर आप परगेशन या लूज मोशंस लगवाएंगे तो उसमें हम विरेचन कराते हैं देन अलग अलग रोगी की क्या अवस्था है क्या प्रॉब्लम है उसको अब कोई अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन है यानी कफ किसी को बढ़ा हुआ है तो उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली अगर हम ऋतु कोई भी हो है ना तो भी हम उसको वमन ही कराएंगे वमन्धी कर। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैसे उसको एक्सेस करते हैं कैसे देखते हैं एनालाइज़ करते हैं पेशेंट को और उसके हिसाब से कौन सा डिटॉक्सीफिकेशन उसके लिए आप एडवाइस करते हैं तो इसीलिए मैंने बोला कि आप घर पर ये सब ट्राई ना करेंगे चलो मैं खुद ही ट्राई कर लेता हूँ आजकल यूट्यूब पर इस तरह सब कुछ मिलता है ना गूगल कर लेंगे ये सब मिल जाएगा हाफ डॉक्टर बन जाएंगे सब एंड हाफ़ नॉलेज इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग जिसको बोला जाता है ना अर्ध ज्ञान तो आपका तो घर पे बिल्कुल भी कोई डिटॉक्स वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए आइडियली आप जब डिटॉक्सिफिकेशन प्लान कर रहे हैं तो आप आप देखिए अब क्या है अगर मैं तो गुड़गांव जैसे शहर में रहती हूँ वहाँ पे बड़ा आउट गोइंग कल्चर है लोगों का क्लबिंग जाते हैं ठीक है, है पब्स में जाते हैं मूवी देखने जाते हैं या खाने के लिए वीके, वीकेंड पे तो यूजुअली हर बंदा बाहर ही होता है आप कहीं खाने जाते हैं या एक मूवी देखने जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप हज़ार हज़ार रुपये की टिकट खरीदते हैं है ना पॉपकॉर्न लेंगे ठीक है साथ में आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं फिर आप बाहर खाना भी खा के आएंगे मतलब एक आपको ये आउटिंग का पैकेज पड़ जाता है कुछ हजार रुपये में तो आप अपनी बॉडी को ख़राब करने के लिए सात आठ हजार रुपए खर्च कर देंगे एक रात में ज़्यादा भी लेकिन अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए आप वैद्य के पास जाकर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कराएंगे बिकॉज आपको लगेगा वो बेकार में पैसे चार्ज कर रहा है मैं खुद ही कर लूंगा जबकि भैया उसको पता है कि आपकी बॉडी में कहाँ क्या गड़बड़ है वो जैसे आपको गाइड करेगा वही आपके लिए ठीक रहेगा आप खुद से कुछ उल्टा ही कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि अपर रेस्पिरेटरी अगर कुछ इशू है कफ वृद्धि की वजह से या फिर और कहीं अब कफ वृद्धि है उसकी वजह से कोई भी व्याधि आपको अगर हो रखी है तो उसमें आपको वमन कराना आप करा लोगे विरेचन तो गड़बड़ हो जाएगी तो वो एक क्विक फिक्स की तरह कभी कभी काम करता है जैसे आप अगर कॉन्स्टिपेटेड हो जैसे आपने पहले पूछा था तो अगर आपने रीमन ले लिया घर पर तो ऑब्वियसली ठीक है नेक्स्ट डे तो आपका स्टोल पास हो जाएगा लेकिन करेक्ट तो फिर भी नहीं होगा ना और इवेंचुअली आप खुद से फिर वो चीज़ें इतनी ख़राब कर लोगे कि फिर वैद्य को भी ठीक करने में बहुत टाइम लग जाएगा ओके okay, ये वोटरिमा की जो बात चल रही है हाँ जी ये रोज किया जा सकता है देखिए कोई भी चीज़ रोज तो मैं आपको नहीं एडवाइस करूँगा बिकॉज आपकी बॉडी जैसे मैंने बोला बहुत इंटेलिजेंट है ठीक है अगर आप हैं मान लीजिए आपको पता है घर में बीवी है ठीक है आपको भूख लगी है आप बोल दोगे यार खाने के लिए कुछ देना या प्यास लगी है एक पानी का ग्लास पकड़ाना पी भी नहीं है तो आप सर्वेंट है या कोई भी आप किसी सबॉर्डिनेट को किसी को भी बोल देंगे आप अगर कोई है तो घर में अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं आप उठ के नहीं जाना चाहते तो आप किसी को कह देंगे वहीं अगर आपको पता है कि घर में कोई नहीं है आप अकेले हो आपको पता है प्यास लगी है तो मुझे ही उठ के किचन तक जाना पड़ेगा है ना भूख लगी है तो मुझे ही या तो ऑर्डर करना पड़ेगा या मुझे बनाना पड़ेगा ठीक है सेम वही चीज़ हमारी बॉडी के साथ है हमारी बॉडी को जब पता है कि ये नॉर्मल फंक्शंस हमने करने हैं तो वो करेगी लेकिन जब आदत पड़ जाती है बाहर से कुछ लेने की अब अनिमा की आदत पड़ जाएगी तो उसको पता नहींमा मिल रहा है मैं तो इससे मेरा वही क्लियर uh, हो जाएंगे गट तो वो अपना नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसको कहीं ना कहीं लूज़ कर देगी तो वो डिटीडोरेट हो जाएगा इवेंचुअली लॉन्ग रन में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है यही नेगेटिव इम्पैक्ट है डॉक्टर साहब कि जब आपकी बॉडी अगर ठीक से फंक्शन ही नहीं करेगी अल्टीमेटली तो वो मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तो कुछ नहीं है उसको आदत ऐसी पड़ जाएगी नीमा की कि बिना निमा के फिर आप फ्रेशन अपनी होगी जैसे आप चाय कॉफ़ी की आदत ले लीजिए बहुत लोगों को सिगरेट स्मोकिंग की आदत होती है कि सुबह वो जब तक सिगरेट नहीं पीते हैं वो फ्रेशन अपने होते ठीक है ना जब सुबह तक जब तक चाय नहीं पीते तब तक उनको लगता है कि मैं तो नहीं जाके स्टमक क्लियर कर सकता हूँ जाके कुछ लोगों को आदत है कि वो मोबाइल पे बैठे रहेंगे या न्यूज़ पेपर बढ़ते हैं नो टॉयलेट में जाके वो सबसे ख़राब चीज़ है करने के लिए बिकॉज आप जब कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन पूरा फोकस उसी काम पर होना चाहिए चाहे आप वो मल त्याग कर रहे हैं चाहे आप वो खाना खा रहे हैं चाहे आप स्नान कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ना आजकल नई उसमें बोलते हैं हम माइंडफुल तो यू शुड बी माइंडफुल इन वडर वी यू डू और अगर आप अपनी बॉडी को आदत डाल देंगे बाहर से कुछ देने की तो वो उतना ज़्यादा यूज हो जाएगी फिर अपना नॉर्मल फंक्शनिंग वापस लाने में उसको टाइम लगेगा इसके बारे में थोड़ा बताइए ये आपने बताया ना कि आजकल हर कोई मोबाइल लेकर ही टॉयलेट <laughs> जाता है तो उसके उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट वही है डॉक्टर तो साहब कि आपका ब्रेन है अब वो उसको पता है कि इस टाइम अच्छा मुझे मल की प्रवृत्ति की इच्छा हो रही है अब मैं जा रहा हूँ मल प्रवृत्ति करने तो ब्रेन को पता है कि उसका काम क्या है इस टाइम कि वेग आ रहा है है ना अर्ज हो रही है मुझे स्टूल पास करना है या मुझे यू नो यूरिन पास करना है लेकिन उस टाइम आप ब्रेन को डाइवर्ट कर देते हैं रीडिंग में hmm. या फिर मोबाइल hmm. में रील्स देखने में तो वो उधर डाइवर्ट हो जाता है तो जो उधर जाना चाहिए हिसाब वो उधर घूम जाता है तो ऑब्वियसली वो आपका नॉर्मल फंक्शनिंग को हैम्पर करता है और ये सिर्फ यू you नो know, स्टूल पास करने या यूरिन पास करने तक ही सीमित नहीं है जो हमारा डाइवर्जन है आजकल वो हर चीज़ में आ गया है खाना खाने की अगर हम बात करें तो टीवी के सामने ही मोस्टली लोग आजकल खाना खाने लगे या फिर एक आदमी ऐसे मोबाइल रहेंगे और हम खाते रहेंगे बच्चे 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 बहुत करते हैं बच्चे, बच्चे बिल्कुल क्योंकि वो क्या है आजकल यू you नो know, वही अगेन यू नो आजकल इतना बिजी है सब तो मदर्स को भी क्या लगता है कि जल्दी से मेरा काम खत्म हो जाए है ना तो हम बहुत ज्यादा गिव इन कर देते हैं बच्चों के में जो बीइंग अ मदर आई एम सेइंग कि नहीं करना चाहिए एटलीस्ट कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स आपके होने चाहिए कि मैं मोबाइल दिखा के खाना नहीं खिलाऊंगी या टीवी दिखा के खाना नहीं खिलाऊंगी या खाने में मैं यही चीजें दूंगी mm -hmm. है जैसे मेरे बच्चों के साथ क्या था मेरे बच्चों के स्कूल में दो टिफिन जाते हैं डॉक्टर साहब एक ब्रेकफास्ट एक लंच mm -hmm. तो शुरू से ही आई मेड दिस वेरी क्लियर टू देम कि रोटी सब्जी जाएगी एक टिफिन में रोटी सब्जी खानी है खाओ नहीं खाने वापस ले आओ बट इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा अगर आप उनको ऑप्शंस दोगे तो ऑब्वियसली हम इजीएस्ट या टेस्टीएस्ट ऑप्शन चुनना पसंद करते हैं टेस्टी मैं ये नहीं कहूँगी कि घर का खाना ज़्यादा टेस्टी तो कुछ नहीं होता डॉक्टर साहब लेकिन बाहर का जो जंक है ना वो उसमें ऐसे एडिटिव डले होते हैं कि आपको आदत लग जाती है ये है तो आप उनको ऑप्शन ही ना दें तो आप खाना खाएं तो आप बिना टीवी के शांति से खाना खाएं आपने उसमें कंसंट्रेट करके खाना खाएं और हाथों से जितना खाना खाएंगे उतना अच्छा है बिकॉज हमारी जितनी इंद्रियां अगर एक काम में लगे उतना ज़्यादा अच्छा है स्पर्श इंद्रिया हमारी होती है फिंगर्स में तो उससे जब हम खाना खाएंगे तो एक अलग पहले ही छूते ही दिमाग को सिग्नल चला जाता है कि भैया खाना आ रहा है तो प्रिपेयर करो बॉडी को उस हिसाब से देन स्मेल करते हैं हम देन जिवा पे रखते हैं रसन इंद्रिया से हम टेस्ट करते हैं okay. तो हर चीज़ का एक बड़ा अलग इम्पैक्ट पड़ता है तो माइंडफुल लिविंग जिसको बोलते हैं यू शुड बी माइंडफुल इन एवरी यू डू तो जिस टाइम जो काम कर रहे हैं उस काम में अपना पूरा फोकस होना चाहिए डाइवर्जन नहीं होनी चाहिए आई नो

या फिर खाने के तरीके में बदलाव किए जाए क्या करना चाहिए खाना तो डॉक्टर साहब जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है ना पंचमहाभौतिक शरीर है हमारा जितना हम प्रकृति के करीब रहेंगे जितना हम सिंपल फॉर्म में खाना लेंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं अब ये तो नहीं है कि हर चीज़ से बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं बिल्कुल रोक सकते हैं लेकिन हम उनको घर में जितना हो सके गर्म खाना ताज़ा बना हुआ खाना खिलाएँ है ना अब पहले ही हमें नहीं पता है कि जो बाज़ार में सब्जियां हमें मिल रही हैं वो कितने दिन से बाजार में पड़ी हैं कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हैं या कहाँ से आ रही हैं या क्या केमिकल्स उनमें डले हैं हमें नहीं पता है हमें क्या मिल रहा है तो हम अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं तो फ्रेशली प्रपेयरड फूड हमें बच्चों को खिलाना चाहिए पहला दूसरा खाने में भी फिर अगेन वही है कि जंक की क्वांटिटी आप जितना कम रखें उतना अच्छा है आई अग्री कि बच्चे नहीं मानते हैं मन करता है सभी का तो कहते हैं ना मन जो मैंने पहले बोला कि आयुर्वेद में ही मन नहीं मानता है बिल्कुल बिल्कुल तो मन चंचल है तो वो जाएगा इधर उधर तो कभी उनको वनस एन अ ब्लू मून खाने दीजिए ठीक है ठीक है महीने में एक बार आप खा सकते हैं दो महीने में, में एक बार कहीं ना कहीं तो आपको अपनी लिमिट खुद ही सेट करनी पड़ेगी है ना स्वयं आप देखिए कि आपके बच्चों पर आप किस तरीके से उस चीज़ को लागू कर सकते हैं तीसरा जो है हम एक्सरसाइज एक इंटेग्रल पार्ट उनके डेली रूटीन का हम बनाएं अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि हम उनको खड़े हो जाए डंडा लेके कि चलो भाई पी करो या दौड़ लगाओ ठीक है वट एव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दे लाइक अब वो हो सकता है कि वो आउटडोर जाके खेल रहे हैं एक घंटा अगर बच्चा सॉकर खेल रहा है hmm. बैडमिंटन खेल रहा है तो वो भी एक्सरसाइज है वो नहीं कर रहा तो घर पे अगर वो गाने लगा के डांस कर रहा है तो डांसिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बिकॉज आपका मन भी प्रसन्न रहता है और सारे बॉडी के पार्ट्स सारी मसल तो उसमें यूज़ होती हैं तो किसी भी तरीके की एक्सरसाइज उनके डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें तो ये अगर नॉर्मल चीज़ें हम करेंगे तो मुझे लगता काफी है काफ़ी हद तक ठीक रहेगा दूसरा स्लीप पैटर्न अगेन जो है कि हमारा आयुर्वेद क्या बिलीव करता है आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी गई है आहार या खाने को कि वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए सेकंड इज़ निद्रा स्लीप जिसको हम यूजुअली कंसीडर ही नहीं करते हैं अच्छे तरीके से हम सोच लेते हैं कि ठीक है यार मैं दो बजे सो गया मैं बारह बजे उड़ गया तो ठीक है मैंने अपनी नींद तो पूरी कर ली ना इतने घंटे की नहीं सही टाइम पर सोना भी उतना इम्पोर्टेंट है तो बच्चों को एक सही टाइम पर सुलाएँ और एटलीस्ट बच्चों को आठ से दस घंटे की नींद ज़रूरी है बड़ों के लिए भी बड़ों के लिए भी बड़ों के लिए भी हाँ छह से आठ घंटे में बोल सकते हैं आठ घंटे तो चाहिए ही चाहिए बट आज के परिपेक्ष में इतना नहीं मिल पाता है तो एटलीस्ट छः से आठ तो चाहिए बट बच्चों को बढ़ते बच्चों को बिकॉज आपने सुना होगा कि पुराने लोग क्या बोलते थे जितना सोता है उतना बढ़ता है तो पढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ऐसे बढ़ेगा बढ़ने का मतलब हाइट या वैसे ग्रोथ की बात हो रही थी ओवरऑल कि जितना बच्चा सोता है उतना बढ़ता है तो अगर अच्छी नींद लेगा तो बॉडी को रेस्ट मिलेगा डिटॉक्सीफाई होगी, बॉडी एनर्जाइज रहेगी नेक्स्ट डे बाकी सब काम करने के लिए तो ये बेसिक बेसिक चीज चीज़ें अगर हम घर में चेंज करेंगे तो काफ़ी हद तक उसमें बच्चों की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है बच्चों के साथ कि मीठा बहुत खाते हैं शुगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बिल्कुल तो उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए क्या कुछ अल्टरनेट भी है इसके बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब अब देखिए हर किसी बच्चे को शुगर पसंद नहीं, भी जरूरी नहीं है हाँ, ना पर बहुत अधिकतर आज, आज कल खाने लगे हैं और अगर आजकल मैं स्टडीज की बात करूँ तो इतनी स्टडीज ये शो करती हैं कि जितनी ओवर एक्टिव या हाइपर एक्टिव जो चीजें हो जाती हैं वो भी हाई शुगर कंजम्पशन की वजह से ए हो सकती है हाँ जी एडीएसडी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स जो है ठीक है तो शुगर कंजप्शन पहले तो हमें कंट्रोल में चेक रखना चाहिए कि और अगर आपका बच्चा मीठा खाने के जिद कर रहा है तो मैं ये बोलूँगी आइसक्रीम्स की बजाय आप घर में कुछ देसी मीठा बनाएं जैसे, जैसे हलवा जैसे खीर अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो हलवा खीर भी औषधि है औषधि का काम करती है तो डॉक्टर साहब उनमें भी तो मीठा तो डाला ही जाएगा मीठा डलेगा डॉक्टर साहब लेकिन वो मीठा जो बाहर वाला मीठा है ना बिकॉज जैसे अब कोक की बॉटल हम बोलते हैं एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में अगर आपने सुना भी होगा कि पता नहीं कितनी ही चम्मच शुगर होती है लेकिन हम पीते हैं तो हमें उतनी मीठी लगती नहीं है है ना क्योंकि उसमें इस तरीके की केमिकल्स डाले जाते हैं कि स्वीटनेस उतना वैसे नहीं आता है लेकिन बॉडी में शुगर उतनी डिपॉजिट हो रही है उसी तरीके से जो आप बाहर से आइसक्रीम्स अगर खा रहे हैं तो ऑब्वियसली जितनी आइसक्रीम्स हम खा रहे हैं बेसिकली आइसक्रीम तो है ही नहीं वो फ्रोजन डिजर्ट के नाम से आते हैं वो तेल है मोस्टली है ना तो तेल है और उसमें आपको चीनी डाल के अगर आपको दी जा रही है अगर मैं ऐसे बोलूँ एक लीटर तेल तेल पी लो आप क्या पियोगे बिल्कुल भी नहीं पियोगे है ना उसी का जस्ट फॉर्म चेंज करके उसमें शर्करा डाल के आपको दे दी गई है तो आपको टेस्ट भी अच्छा लगता है लेकिन वो शुगर जो आपको हार्म करेगी वो घर में बना मीठा इतना हार्म नहीं करेगा पहली बात दूसरी बात बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अलग है आपके मीठे बच्चे को अगर मीठी क्रेविंग्स हो रही है ना जैसे हम इनकरेज करते हैं जैसे आपने बोला कि आजकल हम गलत एंडसमेंट करते हैं कि अच्छा आप ये काम करो तो मैं आपको ये खिला दूंगा चॉकलेट दे दूंगी या फिर मैं आपको बर्गर पेंसिल से ट्रीट करूंगी उसकी बजाय आप घर में उनको ये बोलिए ना अच्छा आपने ये काम किया आप घर में कुछ ऐसा मीठा ठीक है खजूर कितना अच्छा रिच सोर्स ऑफ यो आयरन भी है है ना उसमें इतने मिनरल्स भी हैं और वो आपको मीठा भी है मतलब आप सेहत भी बनाएगा बिल्कुल मसल मास मासक कहते हैं ना खजूर में क्या होता है आप, आप उसको ऐसे करेंगे रेशे निकलते हैं है mm. ना और जो हमारा हम आयुर्वेद में बोला जाता है लोक परलोक सिद्धांत यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे यानी यू नो एज अ माइक्रोक्सिन सो द माइक्रोक्सिन जो भी ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारी बॉडी के अंदर है तो उस लोक परलोक सिद्धांत के हिसाब से अगर हम खजूर को देखें तो उसमें रेशे हैं तो रेशे हमारी कहाँ होते हैं मसल्स में mm. तो वो मसल बिल्डअप करने में भी हेल्प करता है उसके अलावा किशमिश अगेन एक बहुत अच्छा मीठा सब्स्टिट्यूट है देन फिग्स या अंजीर जिसको बोलते हैं वह बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी देगा आपके बच्चे को और मीठे की पूर्ति भी करेगा मुनक्का है और नहीं ये सब अच्छा उनको लगता है तो गुड़ बहुत अच्छा पहट यू नो शुगर से तो बेटर ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल शहद अगर आपको अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो शहद अच्छा ऑल्टरनेटिव है तो ये सब चीज़ें एक थोड़ा सा स्लाइटली हेल्दी वर्जन है फ्रूट और जो मैंने बोला ड्राई फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी हैं उनमें तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है ही नहीं हाँ अगर गुड़ वुड़ का हम ये देखते हैं वो भी आजकल बड़ा केमिकली ट्रीटेड मिल जाता है तो उसमें बोला जाता है कि जरूर डार्क द कलर यू नो बेटर इट इज़ तो जितना डार्क कलर का मिलेगा उसमें उतने ही कम केमिकल्स मिलेंगे आपको और कोशिश कीजिए लोकल फार्मर्स छोटे फार्मर्स जो हैं वो बनाते हैं छोटे स्किल पे वो आज भी पुराने तरीके से उसको प्योरीफाई करते हैं पुराने तरीके से मैंने सुना था भाई मैंने देखा भी है अपने गांव में कभी कि वो भिंडी यूज़ की जाती है गुड़

देखो अल्टीमेटली बॉडी तो उसको शुगर की तरह ही आइडेंटिफाई करेंगे ना अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचें और अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से सोचें तो जो, गुड़ी, जो गुड़ की जो गुण है वो है वो उष्ण होता है है hmm. ना और वो पित्त को बढ़ाता है आपकी बॉडी में तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो गुड़ वाली चाय पी रहा हूँ तो मुझे हेल्प करेगा पहली बात तो चाय वैसे ही यू you नो know, रक्त प्रकोप करती है तो मना करते हैं आयुर्वेदिक फिजिशियंस के नहीं लेनी चाहिए उसमें आप गुड़ भी डाल रहे हैं तो वो आपको पित्त को भी बढ़ाएगी ख़राब करेगी ठीक है गुड़ वैसे भी अगर आप ले रहे हैं डॉक्टर साहब तो वो एक मॉडरेशन में ही सब कुछ ठीक है हम ये नहीं कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ सही है तो आप यही यही खाएँ ये आपको हेल्थी करेगा नहीं हर चीज़ आपको अवस्था देश काल उसके हिसाब से आपको कंजम्पशन करना चाहिए हर ऋतु में भी हम गुड़ नहीं खा सकते हैं गर्मियों में आप इतना गुड़ खाओगे तो वैसे ही गर्मी कर जाएगा तो ये चीज़ें सब ध्यान में रखनी चाहिए उसके लिए सिर्फ मैं कहती हूँ आप आयुर्वेदिक फिजिशियन को या एक वैद्य को आप ये नहीं सोचिए कि मैं उसको तब अप्रोच करूँगा जब मैं बीमार पड़ूंगा नहीं आप हेल्दी रहने के लिए आप डेली डाइटरी रिजीम के लिए आयुर्वेद से बढ़िया कोई डाइटरी रिजीम नहीं आपको दे सकता है आ, इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से और इंडियन बॉडीज़ के हिसाब से जो ठीक है हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं पाँच पाँच छः छः सात सात हज़ार रुपये महीना उनको देते हैं कि मेरा डाइट प्लान बना के दे दो मैं पूछना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो वैद्य के पास जाके बोलते हैं मुझे डाइट प्लान दो आप क्यों चाहते हो कि आप बीमार हो तब आप डॉक्टर के पास जाओ okay. आप स्वस्थ हो तब आप डॉक्टर के पास जाइए तो अपने वैद्य से पूछिए मैं अपना आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या कैसे फॉलो करूँ मेरा बना के दो चार्ट फॉलो करूंगा मेरे को क्या खाना चाहिए मेरी बॉडी प्रकृति के हिसाब से वो पूछिए आपने गुड़ वाली चाय की बात की अनुसार दूध और गुड़ इनका साथ में प्रयोग नहीं।, नहीं करना कर, चाहिए अमित्र कहा गया है बिल्कुल कहा गया तो बहुत सारे लोग जो दूध वाली चाय के अंदर गुड़ डाल के यूज करते हैं वो बिल्कुल गलत है बिल्कुल विंटर्स में भी आप देखेंगे कॉमन प्रैक्टिस है मैं बोलूंगी हरियाणा पंजाब में तो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि दूध के ग्लास के साथ गुड़ का सेवन अब करता इसके लिए किसी को कहते हैं ना कि ये गलत है तो उनका एक ही जवाब होता है के हमारे बाप दादा मतलब हाँ। पूर्वज करके आ, आ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत हुई नहीं तो कैसे आप गलत बता रहे हैं देखिए डॉक्टर साहब बहुत सारी चीजें कर, करते हैं ना जो भी है इस पे तो कि एक यू uh, नो you know, गंजा आदमी या बोल्ड आदमी जाता है डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर को बोलता है कि देखो मेरे तो सर के बाल उड़ रहे हैं मैं गंजा हो रहा हूँ तो डॉक्टर पूछता है कि भाई घर में किसी को है कि भाई हेरिडिटी भी होता है कहता है नहीं आ, घर में तो किसी को नहीं है तो कहता है देन हेरिडिटी इज गोइंग टू बिगिन विद यू कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी ना आपके बाप दादा सब ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है जरूरी नहीं है कि आगे भी ठीक रहेगा सिस्टम hmm कहीं ना कहीं जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अब हम क्या है ये कॉलोनियल माइंडसेट इतना हो गया डॉक्टर साहब जो वेस्टर्न डायबिटिक्स है या जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो आया कहाँ से अंग्रेज़ों के बाद ही तो आया है ना हिंदुस्तान को ये भारत वर्ष से थोड़ी ना हज़ारों साल से हमारी सभ्यता चली आ रही है हज़ारों साल पहले क्या ये कुछ सौ साल पहले इससे क्या इलाज ही नहीं होता था क्या लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे सब कुछ होता था तो तब जैसे इलाज होता था तब जो खान पान हमारा था हमें वहाँ जाना है हमें ये पिछले कुछ सत्तर अस्सी साल के हिसाब से नहीं अपना जीवन जीना है या गुलामी के जो दो सौ साल निकाले या ढाई सौ सालों के हिसाब से नहीं हमें देखना है हमारा रूट कहाँ से है हमारा ओरिजिन कहाँ से है हमारा जो लीनियज चली आ रही है उसका आहार विहार कैसा था भाई अल्टीमेटली हमारा जिनोम में हमारे जेनेटिक कोड में भी वही इन्फॉर्मेशन है और वही हमारे लिए ज़्यादा बिल्कुल बेनिफिशियल है डॉक्टर साहब अब आप बताएँ देखिए जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मन की बात करी थी कि ये नो मन एक चीज़ है हमारे प्रधानमंत्री जी भी मन की बात करते हैं <laughs> है ना वो भी हृदय या मस्तिष्क की बात नहीं करते कि मेरे दिमाग में ये विचार आए वो कहते हैं मन की बात कर रहे हूँ मैं तो मन एक इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब अब कोई भी है आप देखिए कि कोई हमें टच करता है तो हमें पता चल जाता है कि गुड टच है या बैड टच है ठीक <laughs> है अगर हम बात करते सिर्फ टच की तो टच तो टच, तो टच है ना आपको गुड और बैड कैसे पता चला वो मन से पता चला मन आपको वहाँ लेके जाता है कि अच्छा इसका हिसाब किताब ये है इसकी इंटेंशन ये है वो आपको मन से पता चलती हैं ठीक है डॉक्टर ऋतु तो अभी बात चल रही थी जो मीठे की आ, श, शुगर कंजम्पशन जो बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से फीमेल्स में एक बहुत आम समस्या पी और पीसीओएस सी बिल्कुल आजकल बहुत सारी मैंने अपने पेशेंट्स में भी मैं देख रहा हूँ और जिससे बात करो फीमेल्स में ये बहुत बड़ा इशू है बहुत बड़ा तो क्या इसके पीछे केवल शुगर कल्परेट है केवल मीठा ही कारण है या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसको कर सकता है डॉक्टर आहार बिहार अगेन यू नो पी को अगर हम बोलें मतलब मॉडर्न भाषा में या फिर एक नॉर्मल लोगों को समझाने के लिए आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में अगर हम चले जाएं तो बहुत अलग हिसाब किताब हो जाता है वो लोगों को शायद समझ में भी, भी नहीं आएगा लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो इनको क्या बोला जाता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अब लाइफस्टाइल का मतलब क्या है यानी आपका आहार और आपका विहार वो ठीक नहीं है तो जहाँ पे ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अपने आप आपको हो जाएंगे पीसीओडी भी इसीलिए होता है ना कि आप क्या करते हैं आपकी फूड आइटम फूड हैबिट सॉरी जो है वो ठीक नहीं होती है देन आपका विहार ऐसा है सीडेंट्री लाइफ आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं किसी भी तरीके की किसी भी फॉर्म में तो वो अगेन एक कल्प्रिट है और फिर आपका डाइजेशन अगर वीक है इसके साथ ही

बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है इसके पीछे क्या क्या ये आयुर्वेद में ट्रीटेबल है क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि अधिकतर एलोपैथ डॉक्टर ये कहते हैं कि इसके लिए तो आपको पूरी उम्र भर थोड़ी बहुत दवा खाते ही रहना पड़ेगा या पूरी उम्र भर नहीं जाने वाली तो क्या आयुर्वेद में इसको ठीक किया जा सकता है बिल्कुल ना? ट्रीटेबल है डॉक्टर साहब बिल्कुल आयुर्वेद में आप ठीक कर सकते हैं इसको काफ़ी हद तक अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है रोग कि बहुत ही साल से आप लेके घूम रहे हैं तो उसके बाद ये है कि आप मैनेजेबल हो जाता है पर शायद पूरा ठीक ना हो लेकिन अगर आप इनिशियल फेज में आते हैं तो आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाता है आई ए बी भी अगेन आप बोलें या पी सी अगेन आप बोलें ये दोनों ही चीज़ें मानसिक या हमारे मन से बहुत ज़्यादा जुड़ी जुड़ी हुई है बहुत ज़्यादा ये इंटरकनिक्ट है कि जहाँ आपको स्ट्रेस हुआ जहाँ आपका जो मन है वो अच्छा नहीं हुआ जिसको बोलते हैं ना चाहे वो स्ट्रेस हो आपको या आजकल डिप्रेशन भी बहुत कॉमन हो गया है नहीं। नहीं डिप्रेशन हो आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं या मन आपका वैसे ही अवसाद में आपको नहीं पता नहीं। कि क्यों बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो अगर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है तो आपका डाइजेशन पुअर हो जाएगा आपका डाइजेशन पुअर है तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि अच्छा सुबह में तो फ्रेश नहीं हो पाया मुझे तो भूख ही नहीं लग रही है तो वो एक ऐसा विशेष साइकिल बन जाता है कि उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं आप तो अगर कहीं भी हम पी या हम आई की बात करते हैं आई जो हम मोटा मोटी हम आयुर्वेद में ग्रहिणी के हिसाब से लेते हैं अब ग्रहणी का मेन काम क्या होता है ग्रहणी को बोला ग्रहणी क्यों गया है वो ग्रहण करती है जब तक उसको बाहर नहीं निकाल देना होता तब तक वो ग्रहण करके रखती है अगर उसका सिस्टम हैम्पर हो जाए तो आम दोष इतना बढ़ जाए या और कुछ उसमें ऐसी ही गड़बड़ आ जाए कि वो उसको उतने तरीके ग्रहण ही नहीं कर पा रही है भोजन को या भोजन के बाद जो आहार है उसको पहले ही मल प्रवृत्ति हो जाती है खाया और लगा हुए अब तो जाना पड़ेगा ना तो वो आपको कहाँ से एब्जॉर्पन देगा बॉडी में ना एब्जॉपशन होगा ना आपकी इम्यूनिटी बनेगी ना आपको कई शरीर में कुछ लगेगा तो जब भी हम पीसीओडी या पीसीओएस या फिर आईबीएस की बात करते हैं तो उनका मानसिक जो संतुलन है या मानसिक संतुलन का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा रूँ कि पागल है या ऐसा <laughs> कुछ है सॉरी अगर किसी को ऐसा लगे मानसिक जो अवस्था कह लीजिए अब hmm. मानसिक अवस्था को ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है यानी आप सिर्फ गट को नहीं ठीक कर सकते जब तक आप उनकी मानसिक अवस्था को ठीक नहीं करेंगे तो दोनों चीज इंटर रिलेटेड हैं तो आपको उसमें मानसिक अवस्था को ठीक करने के लिए वो एक सपोर्ट सिस्टम आपको देना पड़ेगा चाहे वो आप मेडिसिन से दीजिए चाहे, चाहे आप वो सत्वावजय से दीजिए चाहे आप दैव पाश्व चिकित्सा जिस भी तरीके से आप देना चाहे उस तरीके से लेकिन दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी तब जाके आपको आउटकम अच्छा मिलेगा लेकिन बहुत अच्छे से बहुत हद तक मैनेजेबल है कुछ आ, रसोई में हमारी रसोई में मौजूद कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आई की कंडीशन में एटलीस्ट कुछ तो हेल्प मिले देखिए आई की कंडीशन में है सच तो मैं आपको बोलूँगी कोई भी आप ज़्यादा अपने आप ट्राई ना करें बिकॉज उसके लिए आप एक वैद्य से प्रॉपर गाइडेंस लें लेकिन क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी अगर आपको आई या डाइट की प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले तो आपको वही अगेन लाइट खाना चाहिए हैवी खाना निकाल दीजिए अपने उससे ठीक है आप रॉ वेजिटेबल्स निकाल दीजिए सैलड्स निकाल दीजिए स्प्राउट्स निकाल दीजिए एग नॉनवेज बिकॉज ये डाइजेशन के लिए हैवी होते हैं है ना गुरु आहार हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं तो ऑलरेडी जो आपका इतना कमज़ोर है पाचन तंत्र उसमें अगर आप इतना हैवी खाना डाल देंगे तो नहीं काम करेगा ठीक है दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप हटा दीजिए बिकॉज़ दूध क्या है लेक्जेटिन, लेक्जेटिन माना जाता है तो वो एक मृदु रेचक जिसको मुझे बोलते हैं आयोज में कि अगर आप दूध से लेते हैं तो मतलब जो इनका मृदु कोष्ठ होता है यू नो सुकुमारों को तो उसी से रेचन हो जाता है उसी से लूज मोशन लग जाते हैं या मोशन पास हो जाता है तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आप कम यूज़ करें और स्पाइसिस मिर्च मसाला ये कम यूज करें तो मतलब बेसिकली क्या है एक सात्विक खाने पे आ जाइए जिसे हम बोलते हैं जो हम व्रत में हम खाते हैं hmm. अब व्रत का मतलब ये नहीं है कि जो आजकल फास्टिंग इज इक्वल टू तो फीसटिंग <laughs> फीसटिंग नहीं करनी है नॉर्मल खाना जो हमारा बोला गया है कि बिल्कुल सिंपल आपका यू you नो know, जैसे घी घिया तोरी टिंडा ये जो सब्जियां होती हैं ये और रोटी या चावल तो बहुत हल्का खाना जो आपको सुपाचे हो खिचड़ी हो गया ये सब चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी और लेनी मतलब लेनी ही पड़ेंगी अगर कोई वैद्य आपको ये बोल रहा है या कोई डॉक्टर आपको ये बोल रहा है कि मेडिसिन ले लो आप ठीक हो जाओगे hmm. ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है वो तो, तो बिल्कुल गलत है बिकॉज आयुर्वेद का जो बेसिक सिद्धांत है दैट इज़ निदान परिवर्जन निदान मतलब जिन कारणों से आपको प्रॉब्लम शुरू हुई है hmm. वो कारण तो आप हटाइए ना पॉजिटिव फैक्टर hmm, बिल्कुल है ना अगर आप कोई पेशेंट अगर डिप्रेशन में है या कोई एंशियस है पेशेंट किसी के हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छे नहीं है उसकी वजह से अगर उसको स्ट्रेस हो रहा है तो आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इम्प्रूव करने में वर्क करेंगे ना पहले तो वहाँ से अगर इम्प्रूव होएगा तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा उसके साथ में आपके आईबीएस के लिए भी दवाइयाँ चलेंगी चलेंगी हाँ जी दोनों चीज़ें साथ बिल्कुल तो में। जो भी पॉजिटिव फैक्टर है पहले उसको हटाना पड़ेगा अब आपको पता है कि भाई हैवी खाने से प्रॉब्लम बढ़ेगी तो उसको तो हटाना ही हटाना पड़ेगा देर इज़ नो अदर ऑप्शन आप बोलो कि नहीं मैं तो सिर्फ दवाई ले लूँगा मैं तो रोज चाट पकौड़े खाने की आदत है मैं तो खाऊंगा तो नहीं ठीक होगा सिंपल इज दैट आपको देखना है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है कि आप कोई चाट पकौड़ी या ये जंक है जो ये है ना जो जिवा का स्वाद जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो तो आपको हटाना ही हटाना पड़ेगा तो ये सब चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी बाकी ये जो है कि हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं सीजनल जैसे जिनको आप ले सकते हैं बिल वो एक बहुत अच्छा है बेल जिसको बोलते हैं है, वो आई में बहुत अच्छा काम करता है और हाँ तो बाकी तो मैं नहीं बोलूँगी आप कुछ सेल्फ मेडिकेशन ट्राई कीजिए बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आई बी एस ऐसी बहुत इजीली ट्रीट uh, होने वाली प्रॉब्लम नहीं है उस पर आपको वैद्य का सपोर्ट लगेगा ही लगेगा और जैसे हम बोलते हैं ना कि देखो वैद्य का काम होता है सिर्फ तैंतीस परसेंट मेहमान तैंतीस परसेंट आपका होता है आहार तैंतीस परसेंट होता है आपका विहार और तैंतीस परसेंट हमारा है एक परसेंट जो बचा वो है दैव्य है ना उसमें आपका है कि भैया वो ठीक होना होगा तो आप होंगे वो एक वो एक परसेंट रह जाता है अगर आप तैंतीस परसेंट अपना आहार और तैंतीस परसेंट विहार ठीक कर लेते हैं तो सिक्सटी सिक्स परसेंट तो आपके पाले में है ना बॉल द बॉल इज़ इन योर कोर्ट अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो सिक्सटी सिक्स परसेंट तो आपको अपना वर्क करना ही करना पड़ेगा और थर्टी थ्री परसेंट जो डॉक्टर करेगा काम अगर मैं आपको बोल देती हूँ आपको ये आहार ये विहार ये मेडिसिन आपको लेनी आप लेंगे ही नहीं अगर कर जाके उसको शेल्फ में रख देंगे तो मैं क्या कर लूँगी उसमें तो तब मिलकर नाइन्टी नाइन परसेंट बचता है और एक परसेंट फिर ऊपर वाला है वो भी तो कुछ देखेंगे तो ये तो ये सब अगर करेंगे तो बहुत ईजिली मैनेजेबल है डॉक्टर तो एसिडिटी के लिए अच्छा। जो एसिडिटी का इश्यू होता है ये भी क्या हमारे लीवर से जुड़ा हुआ है या गट हेल्थ से जुड़ा हुआ है या फिर ये भी मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है क्या के पीछे रीजन ये दोनों दोनों से ही जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब अच्छा ठीक है अगर आपको कई बार ये पेशेंट्स दिखेंगे आपको मैं देखती हूँ अपनी प्रैक्टिस में कि जिनको स्ट्रेस रहता है बहुत जो मानसिक रूप से परेशान है किसी ना किसी वजह से उनको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है ठीक है अगेन बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन को इम्पेक्ट करता है और अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो भी आपको एसिडिटी होगी तो ज़रूरी नहीं है कि यू नो जिसको बोलते हैं अनुलोम क्रम में हम चलें कि भाई एक के बाद एक चीज़ें गड़बड़ हो कई बार उल्टा भी हो जाता है यूजुअली क्या होता है आपका डाइजेशन ख़राब है फिर उत्तर उत्तर जो हमारी धातु है वो बिगड़ती रहती हैं लास्ट में जाके जो शुक्र धातु बिगड़ती है तो कई बार उल्टा भी होता है कई बार ही जब आपका मन ठीक नहीं है आपको मानसिक किसी भी तरीके का अवसाद है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपका डाइजेशन बहुत हद तक हैम्पर करता है और हाइपर एसिडिटी तो आजकल एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है उसमें अगेन आहारज विहारज है कि हम टाइम से नहीं सोते हैं नहीं उठते हैं उसकी वजह से भी एसिडिटी होती है देर से सोने और सुबह देर होती होती बिल्कुल, से उठने बिल्कुल बिल्कुल होती है अच्छा हाँ जी बिकॉज अगर हम देखें तो हमारा दिन जो है वो अगर हम देखते हैं दिन और रात वात पित्त कफ दोष के हिसाब से अलग अलग भागों में हम बांटते हैं जैसे सुबह अगर हम दिन में देखें तो कफ बड़ा होता है सुबह का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम उसके बाद बीच का जो आफ्टरनून का जो टाइम आता है वो पित्त का काल होता है उसके बाद रात को दिन फिर जब सॉरी शाम ढलने वाली होती है तो वात का काल होता है धन रात्रि में भी ऐसे ही होता है अगेन वात का काल धन पित्त का काल धन का तो ऐसे रहता है तो उस हिसाब से अगर आप टाइम से नहीं सोएंगे तो वो तो दोष बढ़ना ही बढ़ना है उस हिसाब से और उस हिसाब से फिर एसिडिटी आपको होगी ही होगी क्या किया जा सकता है एसिडिटी के लिए कुछ घरेलू टिप्स तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ एसिडिटी के लिए आप बहुत कुछ अपनी किचन से निकाल सकते हैं तो सबसे एक जो एसिडिटी के लिए अच्छी चीज़ है वो है आप सौफ और जीरे का पानी जो आप ले सकते हैं आप एक लीटर पानी लीजिए उसमें आप एक चम्मच सौंफ डालिए एक चम्मच जीरा डालिए तो उसको बॉईल करके रिड्यूस करें हाफ तक उसको फिर गरम गरम आप एक उसमें बॉटल में भर लीजिए छान के ठीक तो उसको फिर आपने ल्यूप वॉर्म दिन में थोड़ा 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 सिप करना है अब सौंफ और जीरे का काम क्या होता है वो दीपन पाचन करते हैं ओके okay. यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर को करेक्ट करते हैं उसको ठीक करते हैं तो वो कहीं कही ना कहीं आपका डाइजेशन ठीक होता है तो इवेंचुअली आपको एसिडिटी बैलेंस आउट हो जाती है लेकिन अगर आपको हाइपर एसिडिटी अभी चल रही है बहुत ज्यादा तो आप क्या कर सकते हैं बहुत अच्छी दो तीन चीजें हमारे पास रहती है कि आप दूध ठंडा दूध है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसमें भी अगर आप क्या करें जैसे गोंद का तीरा जो है गोंद का तीरा आप रात को भिगो दीजिए सुबह वो फूल जाता है पानी को रिटेन कर लेता है तो उसको फिर दूध में मिला के जो एक जिसको बोलते हैं दूध की लस्सी जिसको बोलते हैं गुन गतीरे mm. के साथ वो अगर आप कंज्यूम करें तो वो पित्त को बड़ा अच्छा शमन करती है देन गुलकंद एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप लेंगे तो उससे भी आपकी एसिडिटी काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है और बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है mm. बल्कि इनफैक्ट अभी शरद ऋतु आने वाली है तो उसमें तो जब आएगी तो गुलकंद काफ़ी अच्छा काम करता है आपको सेवन करना चाहिए पित्त को बैलेंस आउट करने के लिए

बहुत हेल्प मिलती है गरम गरम पीना है या गुनगुने पानी के गुनगुना बहुत इतना भी नहीं कि, you know, नहीं कि यू नो पाइपिंग हॉट चाहिए कुछ भी हम लेंगे तो बहुत हेल्प करता है बट हाँ जिनको बी पी इशूज है या और कुछ ऐसे हैं वो नमक का प्रयोग नहीं करें वो सिर्फ अजवाइन ले सकते हैं अगेन हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा या फिर वो भी अपना जीरा और सौंफ का जो पानी है वो बहुत अच्छा काम करता है आपने जीरा सौंफ वाला जो पानी बताया ये इंस्टेंट रिलीफ देगा या फिर जिन लोगों को एसिडिटी रहती है उनके लिए है ये जिनको रहती है क्रॉनिक तो वो okay. करेक्ट करने के लिए बिकॉज आपकी डाइजेस्टिव पायर कहीं ना कहीं करेक्ट करता है पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके उस थोड़ा थोड़ा हाँ आप ले सकते हैं ब्लोटिंग में और इसमें आपको दोनों में आराम करेगा और कई लोग इसमें ब्लोटिंग में जिंजर आप ऐड कर सकते हैं या शुंठी पाउडर जिसको बोलते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं लेकिन अगर आपको एसिडिटी है तो आप जिंजर ना ऐड करें जो अदरक जो हम घर में यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए या खाने में जो यूज़ करते वो आप ना डालें बिकॉज वो उष्ण होती है तो उसको आप लेंगे तो आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी कम होने की बजाय चलिए थैंक यू डॉक्टर तो आपने बहुत अच्छी जानकारी ना केवल हमारे दर्शकों को बल्कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं चाहूँगा कि दोबारा से आपके साथ बैठ के बहुत कुछ विशेष तौर पे मानस रोग के बारे में मैं बहुत कुछ आपसे बातें करना चाहूंगा बहुत कुछ सीखना चाहूंगा थैंक यू फॉर